Hello everyone, how are you? Welcome to our channel. I hope you all are doing well. So one of the chapters of our CA Final Law, meeting of board and its powers, one of the most important chapters for our syllabus as well as per the marks weightage, तो अच्छे खासे नंबर का भी आता है. एंड आउट ऑफ द एंटायर चैप्टर वी कैन से फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस निकल के आते हैं, विच आर बेसिकली योर 185, 186, योर 184, 188 एंड 174. अब 185 जो है विच इज बेसिकली योर लोन्स टू डायरेक्टर्स, सो दैट सेक्शन हैज़ बीन कवर्ड इन अ सेपरेट डिस्कशन एंड लिंक टू दैट वीडियो कैन बी फाउंड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो. उसके अंदर डिटेल्ड तरीके से एनालिसिस हैज़ बीन डन अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस. नाउ बैलेंस फोर सेक्शंस जो है उसके रिस्पेक्ट में वी विल बी अंडरटेकिंग द डिस्कशन टूडे इन दिस लेक्चर. ऑल द डिटेल्ड कंसेप्ट और उसके लॉजिक्स हम अंडरस्टैंड करेंगे एंड क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में वॉट एवर पॉइंट्स विच यू विल बी रिक्वायरिंग टू क्रैक द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो भी हम इसके अंदर लेकर चलेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस पूरे चैप्टर में बचे हुए जो सेक्शंस है वो इतने आप मतलब खुद कर सकते हो. दोज मे नॉट रिक्वायर यू टू इन्वेस्ट योर टाइम इन अ सेपरेट लेक्चर, बट उसमें से भी जो पॉइंट्स निकल सकते हैं इन विच यू कैन कमिट मिस्टेक्स, दोज विल बी कवर्ड थ्रू MCQs एंड शॉर्ट रिविजनरी पॉइंट्स इन द कम्युनिटी टैब विच आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. अगर आप फॉलो नहीं कर रहे यू कैन फॉलो दैट. डेली MCQs बीइंग अपलोडेड अलॉन्ग विद सम अदर कंटेंट लाइक योर रिविजनरी पॉइंट्स. तो जस्ट टू समराइज, पांच इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम डिटेल में रिविजन फॉर्म में वीडियो के अंदर ही कवर कर रहे हैं. 185 ऑलरेडी कवर हो चुका है, बैलेंस फोर हम इस वीडियो में करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस बैलेंस जो सेक्शंस है लाइक योर ऑडिट कमिटी, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस, उन सब के रिस्पेक्ट में शॉर्ट रिविजनरी पॉइंट्स एंड MCQ फॉर्मेट में जो जो पॉइंट्स आप मिस कर सकते हो एंड वेर एवर मिस्टेक इज पॉसिबल दोज विल बी कवर्ड विद द हेल्प ऑफ अवर MCQs एंड शॉर्ट रिविजनरी पॉइंट्स इन द कम्युनिटी टैब. सो स्कोप ऑफ द वीडियो इज क्लियर एंड आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि इन सेक्शंस का पूरा जो एक एनालिसिस है वो कैसे करना है. सो वी विल स्टार्ट विद अवर बैलेंस फोर सेक्शंस, दैट इज 174, 184, 186 एंड 188. ओके, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सेक्शन नंबर 174. सो व्हाट डू यू मीन बाय कोरम, सबसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग बिठाते हैं. स्पीड कंपैरेटिवली थोड़ी सी तेज रहेगी बिकॉज अवर एग्जाम्स के हिसाब से हम चलेंगे, बट इफ यू आर वॉचिंग दीज ऑल कंसेप्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो भी आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. आई विल टेक केयर ऑफ दैट. सो व्हाट डू मीन बाय कोरम, जस्ट इमेजिन लाइक देर इज अ फैमिली ऑफ फोर. लेट्स से देर इज अ फैमिली ऑफ फोर एंड दे नीड टू मेक सम परचेज डिसीजन. लेट्स से वो एक गाड़ी खरीदने वाले, इफ दे आर गोइंग फॉर अ कार परचेज, तो व्हाट हैपन्स इज जनरली ऑल द फोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली दे सिट टुगेदर एंड दे डिस्कस कि अच्छा कौन सी गाड़ी लेनी है, हमारा बजट क्या है, इसमें कौन कौन सी हमें फीचर्स चाहिए, ये सब चीज़ें. क्या ऐसा होता है क्या कि एक ही मेंबर ऑफ द फैमिली आके डिसाइड करे कि हाँ मैंने ये डिसाइड कर लिया है एंड ये हम कार खरीद लेंगे? नो. सिमिलरली विद अ कंपनी इज टू बी रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इन द फिड्यूशियरी कैपेसिटी, दे आर इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रस्ट, इन द पोजिशन ऑफ ट्रस्ट, एंड मेंबर्स जो शेयर होल्डर्स होते हैं एज वी नो दे डू नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तो दे आर ट्रस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐसा होना चाहिए क्या कि एक आध बंदा आके, लेट्स से देर आर 10 डायरेक्टर्स एंड वन डायरेक्टर कम्स एंड ही टेक्स द डिसीजन एंड कंपनी उसके हिसाब से काम करती है? आंसर इज नो. ये तो कुछ बात हमें हजम नहीं हो रही है. सो वॉट वी नीड टू डू इज वी नीड टू स्पेसिफाई सर्टन नंबर ऑफ मिनिमम डायरेक्टर्स दैट शुड बी इन द मीटिंग टू एंश्योर कि वो जो कंपनी डिसीजन ले रही है वो उतने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लेकर चले. सो आई थिंक द आइडिया इज क्लियर. आइडिया इज बेसिकली हमें कुछ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए जो कि कंपनी के डिसीजन ले, बिकॉज वो डिसीजन सबके ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं, राइट? सो लेट्स कम टू द फॉर्मली, अब स्टार्ट करते हैं. सो सेक्शन नंबर 174 इज बेसिकली योर कोरम. ध्यान से समझते जाना सारी चीजें. सेक्शन 174 इज कोरम, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ एलिजिबल नॉट डिसक्वालीफाइड डायरेक्टर्स. मतलब एलिजिबल मतलब आपने अगर पहले पढ़ रखा है तो सेक्शन नंबर 184 विच वी विल बी स्टडिंग आफ्टर दिस, 184 टॉक्स अबाउट इंटरेस्टेड डायरेक्टर. अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड हो जाता है, स्पेसिफिकली 184 सबसेक्शन 2 की बात कर रहा हूँ मैं. सो इन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स से आई एम अ डायरेक्टर एंड आई एम इंटरेस्टेड, सो आई एम नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दैट मीटिंग, आई एम नॉट अलाउड टू डिस्कस एनी मैटर, आई एम नॉट अलाउड टू वोट. क्या मेरे जैसे बंदे को जो इस पर्टिकुलर मैटर पर कुछ काम कर नहीं सकता है, क्या उसको कोरम में गिनना चाहिए? आंसर इज नो. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि मिनिमम नंबर ऑफ कंपिटेंट या फिर मिनिमम नंबर ऑफ एलिजिबल डायरेक्टर्स जो कि दे डू नॉट सफर फ्रॉम एनी डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब वो काम कर सकते हैं, कंपिटेंट टू एक्ट है. क्योंकि कंपिटेंट टू एक्ट ही नहीं होंगे और मीटिंग में आ जाए तो उनसे भी हमारा कोई काम बनने नहीं वाला है, राइट?
वो हेडिंग क्लियर है. नाउ व्हाट इज द प्रोविजन, सेक्शन 174 सबसेक्शन 1 सेज दैट द मिनिमम एलिजिबल डायरेक्टर शुड बी 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स व्हिचएवर इज हायर. तो ये बात समझ में आ गई है, 1/3 और 2 व्हिचएवर इज हायर. सपोज 1/3 कम्स एज अ फ्रैक्शन, लेट्स से 10 डायरेक्टर्स है तो 10 का 1/3 हमारा 3 पॉइंट बनेगा, तो दैट इज टू बी राउंडेड ऑफ एज 1. सो इफ 1.2 3.2 कुछ भी ऐसा पॉइंट्स में आ जाता है तो दैट इज टू बी दैट विल गो टू द 2 एंड 4. तो 1.2 आया तो 2 कर देना, ठीक है. तो राउंड ऑफ एज 1 करना है फ्रैक्शन को. एंड सेक्शन 8 कंपनीज जो होती है, और सारी की सारी नहीं, ओनली दो सेक्शन 8 कंपनीज विच आर कंप्लाइड विद सेक्शन 137 एंड 92. ये अब हर जगह ऐड हो चुका है ऑलमोस्ट कि 137 एंड 92 कंप्लाई किया तो ही आपके जो एक्सेप्शंस एंड फायदे हम आपको देंगे. व्हाट आर 137 एंड 92? 137 टॉक्स अबाउट फाइलिंग ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द रजिस्ट्रार एंड 92 टॉक्स अबाउट द एनुअल रिटर्न बाय द कंपनी. सो दैट सेक्शन 8 कंपनी विच हैज कंप्लाइड विद सेक्शन 137 एंड 92, कोरम इन कंपनीज के लिए क्या है, 25% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 8 मेंबर्स व्हिचएवर इज लोअर. तो ध्यान रखना यहां पे हायर है और यहां पे लोअर है, ठीक है. बट द 25% ऐसा ना हो कि एक बंदा के काम कर जाए, अगेन वही हमें अवॉइड करना है. सो मिनिमम टू. तो बात समझ में आ गई है, सेक्शन 8 के लिए अलग है. नाउ देयर कम्स अ क्वेश्चन कि सर डू वी काउंट द डायरेक्टर्स पार्टिसिपेटिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मींस इन द कोरम. अब एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट ने अगर मुझे ऑप्शन दिया है ऑडियो विजुअल मीन्स या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आने का और मैं आता हूँ, तो मैं भी तो अगर एलिजिबल हूँ तो मैं काम कर सकता हूँ ना उस पर्टिकुलर मैटर के लिए. सो ऑब्वियसली आई विल बी काउंटेड एज मैटर एज इन कोरम. तो कोरम के अंदर मेरे को 100% काउंट किया जाएगा अनलेस दे आर टू बी एक्सक्लूडेड. तो देर आर सर्टन मैटर्स जैसे प्रोस्पेक्टस अप्रूव करना और ये सारी चीज़ें, उसके रिस्पेक्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम नहीं हो सकता है, राइट. सो इफ आई एम पार्टिसिपेटिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड द मैटर इज विद रिस्पेक्ट टू दोज वेयर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या विजुअल मीन से अलाउड नहीं है, इन दैट केस आई विल नॉट बी काउंटेड, राइट. इसके रिस्पेक्ट में आपकी करंट अमेंडमेंट भी आ रखी है कि करंट पीरियड के लिए ड्यू टू कोरोना वायरस ये सारी चीज़ें आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अलाउ कर दी गई है जो रेस्ट्रिक्टेड मैटर्स थे, ठीक है. बट ये आपका ओरिजिनल लॉ कहता है. नाउ कमिंग टू सबसेक्शन 2, वॉट इफ देर इज अ वेकेंसी इन बोर्ड. वेकेंसी मतलब लेट से आई हैव माई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से दैट माई कंपनी शैल बी हैविंग 10 डायरेक्टर्स, बट फॉर टाइमिंग 2 डायरेक्टर नहीं है. लेट से कुछ कैजुअल वैकेंसी हो गई है, डेथ हो गई है, रिमूवल हो चुका है, रिजाइन कर चुका है, वॉट एवर इट इज, 10 में से अभी 8 ही जने हैं, तो आपको 8 को ही गिनना है. जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना टोटल स्ट्रेंथ, ये टोटल स्ट्रेंथ जरा ध्यान से देखना. ये टोटल स्ट्रेंथ मतलब आपको इसमें से अगर कोई वेकेंट हो रखा है तो उसको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है. दूसरी चीज, सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है, इफ देर इज एनी वैकेंसी इन बोर्ड जो मैं द थिंग विच आई हैव टोल्ड कि वैकेंसी वालों को इंक्लूड नहीं करना है वो आगे लिखी हुई है, वो वैकेंसी देखते हैं, आई हैव टोल्ड यू. सबसेक्शन 2 कुछ और कह रहा है, क्या कह रहा है ढंग से देखते हैं. एनी कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स, द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स कैन कंटिन्यू टू एक्ट इफ एंड सो लॉन्ग द नंबर रिड्यूस बिलो द कोरम रिक्वायरमेंट. अब देखो कहानी समझो, हो क्या रहा है, लेट से माई कोरम रिक्वायर्ड इज 4 डायरेक्टर्स. एंड 3 डायरेक्टर्स आ रखे हैं, 3 डायरेक्टर्स आ रखे हैं और कोरम ऊपर जा नहीं पा रहा है. वॉट एवर द रीजन में भी, क्या पता वो इंटरेस्टेड हो, क्या पता वो काम नहीं एलिजिबल नहीं है काम करने के रिस्पेक्ट में. अब वो 3 डायरेक्टर्स काम कैसे करें, डेली द कंपनी हैज़ टू फंक्शन, वेरियस डिसीजन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन, तो कंपनी हैज़ टू मूव ऑन. तो उन 3 डायरेक्टर्स को क्या बोल दिया कि आप कंपनी का कोई भी काम नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कोरम नहीं है. लेकिन ऐसे तो फिर हमारा धंधा ही बंद हो जाएगा, हमारी कंपनी बंद हो जाएगी. सो व्हाट वी आर अलाउइंग इज, वी आर अलाउइंग यू टू डू 2 पर्टिकुलर टास्क. फर्स्ट, यू कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर्स. आप डायरेक्टर अपॉइंट करो, जैसे एडिशनल डायरेक्टर, आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करो, स्ट्रेंथ बढ़ा दो और कोरम बनवा के आगे काम स्टार्ट कर दो. या फिर वो मैटर आप जनरल मीटिंग के थ्रू करवा सकते हो, या जो भी आपको मेंबर्स से वो काम करवाना है, या आपको मेंबर्स के थ्रू डायरेक्टर को अपॉइंट करवाना है, वॉट एवर इट इज, आपके लिए आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप जनरल मीटिंग जो है वो रखवा सकते हो. तो ध्यान से इसकी लैंग्वेज देखना, द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स मतलब जो कि बिलो कोरम है, कैन कंटिन्यू टू एक्ट बट इफ एंड सो लॉन्ग मतलब उतने ही टाइम तक जितना आप कोरम से कम हो, और आप दो ही काम कर सकते हो. क्या, द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स और डायरेक्टर टू और एक, मतलब टू और मोर या फिर एक डायरेक्टर, मे एक्ट फॉर पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू दैट फिक्स फॉर कोरम. जैसे एडिशनल डायरेक्टर आपने अपॉइंट कर दिया,
ठीक है, तो आप डायरेक्टर्स बढ़वा के कोरम बनवा दो और समनिंग द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो लेट मेंबर्स डिसाइड आगे क्या करना है। मेंबर्स या तो वो काम कर देंगे या तो डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करवा देंगे और जनरल मीटिंग रखवाने तक आपको अलाउ कर सकते हैं, बाकी इसके सिवाय एंड फॉर नो अदर पर्पस। तो बाकी हम आपको कोई भी काम जो है वो अलाउ नहीं करेंगे। आई होप आई एम क्लियर यहां तक। नाउ इफ ये हमारा जो लिंक है ना, ये पर्टिकुलर आइटम के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर आइटम ऑफ बिजनेस, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई अरेंजमेंट डिस्कस होने वाला है एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट सम डायरेक्टर हैपन्स टू बी इंटरेस्टेड, तो जो बंदा इंटरेस्टेड है उसको हम कोरम के अंदर नहीं गिन सकते। ये सारी चीजें हमारी 184 में लिखी गई है, बिकॉज दैट पर्सन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, ही कैन नॉट वोट, ही कैन नॉट डिस्कस। तो जो बंदा कुछ बोल ही नहीं पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसको हम कोरम के अंदर नहीं गिनेंगे। बट अगर ऐसा केस हो जाता है कि विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट टोटल स्ट्रेंथ का 2/3, ध्यान से सुनना, टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 मतलब मोर देन इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ अगर इंटरेस्टेड है उस वाले कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपका कोरम हम चेंज कर देंगे। कोरम क्या बोल देंगे हम, द रिमेनिंग डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, द रिमेनिंग डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, बट प्रोवाइडेड वो मिनिमम 2 होने चाहिए, क्योंकि अगेन एक से काम नहीं करवा सकते। ध्यान से देखो, 174(3) अप्लाइज इफ, ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है, ध्यान से देखना ये वाली चीज, जो ये वाली हम चीज बोल रहे हैं ना, ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है। इफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट इन द मीटिंग, ऑब्वियसली ये नहीं कि आप इंटरेस्टेड और बाहर ही घूम रहे हो, आप मीटिंग में आए हो, इफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स एक्सीड और इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, 2/3 फ्रैक्शन आया तो राउंड ऑफ एज 3.34 हो जाएगा, ठीक है। और उससे पहले एक और चीज, ये जो इंटरेस्टेड वर्ड हम यूज कर रहे हैं, दैट इज एज पर 184 सबसेक्शन 2, वो आगे आने वाला है इसके बाद, ठीक है। तो अगर ऐसा केस हो जाता है देन द कोरम शल बी नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, मतलब बचे हुए, प्लस प्रेजेंट इन द मीटिंग, ऑब्वियसली जो मीटिंग में आए, एंड दो शल बी मिनिमम टू। तो नॉर्मल प्रोविजन ऊपर वाला, ये वाला अगर केस लग जाता है वो कब लगेगा, इफ माई इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैपन टू बी मोर देन इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, तो प्रोवाइडेड वो मीटिंग में आए हो, देन द कोरम शल बी मिनिमम 2 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, जो मीटिंग में बैठे हैं वो अपना काम करके कंपनी का काम आगे चला सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से समझ आ जाएगा। नाउ देर इज वन एग्जेम्पशन फॉर अ प्राइवेट कंपनी, क्या है, द प्राइवेट कंपनी विच हैज कंप्लाइड विद सेक्शन नंबर 92 एंड 137। तो छोटी कंपनीज के लिए हमने बोल दिया कि अगर आप एक इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो और 184 के हिसाब से डिस्क्लोजर कर देते हो, 184 के हिसाब से आप डिस्क्लोजर कर देते हो, देन यू कैन बी काउंटेड एज अ डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर, बिकॉज आपने डिस्क्लोजर जो है वो कर दिया है। तो फॉर अ प्राइवेट कंपनी इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स कैन बी काउंटेड इन कोरम आफ्टर डिस्क्लोजर एज पर 184। तो आप अपना डिस्क्लोजर दे दो और नॉर्मल बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटी कंपनी हो। नाउ वॉट इफ नो कोरम, अब मीटिंग बुलाई थी, कोरम नहीं आया, क्या करें, सेक्शन 174 सबसेक्शन 4 किक्स इन विच इट हैज बीन स्टेटेड दैट द मीटिंग शैल बी एडजर्न टू द सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक, इफ दैट डे हैपन्स टू बी अ नेशनल हॉलीडे इट विल बी एडजर्न टू द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे, ठीक है। If no quorum and obviously articles of association do not require otherwise, मतलब if articles of association state that what will happen if there is no quorum, then 174 subsection 4 नहीं लगेगा, फिर जो articles कहेंगे, क्योंकि internal working की बात है, articles ने अगर कह दिया कि परसों एक दिन छोड़ के मीटिंग आएगी तो एक दिन छोड़ के मीटिंग आएगी, उस केस में 174 subsection 4 नहीं लगेगा, ओके। सो प्रोवाइडेड AOA does not require otherwise, automatic adjournment to the next week, same place, same time, same day, if national holiday, next succeeding day, which is not a national holiday, okay? Now, next, ये मैं आपको जो ऊपर पॉइंट बता चुका हूँ, the total strength of director shall not include any directors whose place is vacant, तो अगर कोई vacant है, casual vacancy हो चुकी है, resign हो चुका है, remove हो चुका है, death हो चुकी है, तो total में से minus कर देना, फिर उसके ऊपर 1/3, 2/3 सारी calculations जो है वो check करना। Important questions and points to remember, जरा ध्यान से देखो, कोरम शुड बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग बट ड्यूरिंग ईच एंड एवरी ऑर्डर ऑफ बिजनेस। नाउ लेट्स से आई विल डू सम प्लानिंग, क्या प्लानिंग करने की सोच रहा हूँ, मेरे जो कोरम का रिक्वायरमेंट है, लेट्स से इट्स कमिंग आउट टू बी 5, 1/3 और 2 का हायर मिला के, लेट्स से 1/3 इज कमिंग आउट टू बी 5। व्हाट आई टोल्ड माय डायरेक्टर्स दैट स्टार्ट ऑफ द मीटिंग में ना 5 डायरेक्टर आ जाओ, स्टार्ट ऑफ द मीटिंग में 5 डायरेक्टर आ जाओ, 10 मिनट बाद छोड़ देना, बची हुई मीटिंग हम एक ही बंदा कर लेगा, 2 बंदे कर लेंगे, दैट इज रॉन्ग। This is what the Companies Act is trying to avoid. उन्होंने क्या बोल दिया है? At the start of the meeting and during the entire continuity of the meeting, wherever your different businesses or any contract or any decision shall be discussed, you need to have the required quorum. तो quorum shall be present not only at the start of the meeting, but
ड्यूरिंग ईच एंड एवरी ऑर्डर ऑफ बिजनेस. ओके नेक्स्ट, जनरल मीनिंग ऑफ सेक्शन नंबर 8 लाइसेंस्ड कंपनी. नाउ मेनी स्टूडेंट्स समटाइम्स मैंने देखा है अपने क्लासेस में भी कि सेक्शन 8 कंपनी इतना दिमाग में बैठ जाता है कि द क्वेश्चन में कभी कभार आप सेक्शन 8 कंपनी ढूंढते हो. व्हाट मे हैपन इज क्वेश्चन डायरेक्टली ये बोले ना कि दिस कंपनी इज अ सेक्शन 8 कंपनी, सो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट सेक्शन 8 कंपनी इज. तो दिमाग में बिठा लो NPO. ठीक है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जनरली सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में होती है. जैसे यू कैन से दैट वर्किंग टुवर्ड्स एनी सोशल ऑब्जेक्टिव या कुछ भी किसी भी तरीके से सोशल ऑब्जेक्टिव उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो दैट कंपनी विल बी अ सेक्शन 8 कंपनी. सो द क्वेश्चन माइट नॉट स्टेट डायरेक्टली दैट दिस इज अ सेक्शन 8 कंपनी. आई होप आई एम क्लियर. नेक्स्ट, लिंक टू सेक्शन नंबर 173. अब इसका लिंक क्या बनता है सेक्शन नंबर 173 से, दैट 173 क्लियरली स्टेट्स दैट अ कंपनी नीड्स टू हैव 4 बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर एंड मैक्सिमम गैप 120 डेज. ठीक है, मैक्सिमम मीटिंग्स पे कोई रोक टोक नहीं है, आप जितनी बार भी मिल लो. सो समटाइम्स द क्वेश्चन में स्टेट और रियल लाइफ सिचुएशन में हैपन दैट द फोर्थ बोर्ड मीटिंग विच वी हैड शेड्यूल्ड वॉज, मतलब लोग आए बट इट कुड नॉट बी हेल्ड ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कोरम रिक्वायरमेंट्स. सो वॉट विल हैपन, सेक्शन 174 सबसेक्शन 4 विल किक इन एंड द मीटिंग शुड बी एडजर्न्ड. अब क्या हम बोले कि ये मीटिंग बुलाई गई थी, नहीं हुई और एडजर्न हुई, तो क्या मेरी 4 मीटिंग्स हुई या नहीं हुई, 173 का नॉन कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ. तो हमें आइडियली क्या बोलना है, आईसीआई क्या बोलता है, आइडियली कंसेप्चुअली वी नीड टू चेक कि अगली जो मीटिंग बुलाई गई थी दैट इज द एडजर्न बोर्ड मीटिंग, क्या उसके अंदर कोरम आया या नहीं आया. अगर उसके अंदर कोरम आया तो मीटिंग हो ही गई, नहीं आया तो क्या करना है इसके ऊपर. कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट से एनीथिंग. व्हाई आई एम स्पेसिफिकली टेलिंग यू इज दैट कंपनीज एक्ट 1956 में कुछ चीज़ें लिखी गई थी, क्या लिखी गई थी आई एम नॉट टेलिंग यू, रेलिवेंट नहीं है, कन्फ्यूजन हो सकती है. बट आइडियली वी शुड एनालाइज दिस, बट इंस्टीट्यूट ने कैसे इसको एनालाइज किया था इन वन ऑफ द क्वेश्चन इन विच इंस्टीट्यूट हैड आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. इंस्टीट्यूट सेड दैट कंपनी हैड कॉल्ड द फोर्थ बोर्ड मीटिंग, सो इट वॉज नॉट इन कंप्लायंस ऑफ 173. सो द इशू ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कोरम एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस द मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड, दिस इज एन एंटायरली सेपरेट इशू. तो उन्होंने ना आगे बोल दिया कि बस कोरम द मीटिंग शैल बी एडजर्न्ड एज पर 174 सबसेक्शन 4 और उसके अंदर जो है वो कोरम आ जाएगा. ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से एनालाइज नहीं किया कि अगली वाली मीटिंग में क्या होता है. ठीक, क्लियर है, आ जाओ इसमें एग्जांपल देख लो क्विकली. फोर्थ बोर्ड मीटिंग ऑफ द ईयर, नो कोरम, एनी नॉन कंप्लायंस ऑफ 173, तो हम क्या करेंगे, इफ नो कोरम, अगर कोरम नहीं आता है तो अनलेस एओए प्रोवाइड अदरवाइज मीटिंग शैल बी एडजर्न्ड एंड इन द एडजर्न्ड मीटिंग वी विल सी इफ देयर इज कोरम और नो कोरम. अगर कोरम है तो फोर्थ मीटिंग वैलिडली है एंड एडजर्न्ड मीटिंग्स आर दी मियर कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग. तो 4 मीटिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो फोर्थ मीटिंग वैलिडली है सिंस एडजर्न्ड मीटिंग इज अ मियर कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग. बट अगर कोरम नहीं है तो कंपनीज एक्ट साइलेंट है. लेकिन आईसीआई के हिसाब से आप चल सकते हो मार्क्स के लिए. आईसीआई डिड नॉट एनालाइज द सिचुएशन ऑफ कोरम और नो कोरम इन द एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग. कोरम है उसने माना, हेंस नो कॉन्ट्रावेंशन, और एक लाइन लिख दी, नो नॉन कंप्लायंस ऑफ 173 बिकॉज द मीटिंग वॉज कॉल्ड बट नॉट हेल्ड ड्यू टू कोरम. सो आईसीआई इज फोकसिंग ऑन द फैक्ट दैट कंपनी ने तो मीटिंग बुलाई ना, कोरम नहीं आया वो अलग बात है, तो उसका कोई कॉन्ट्रावेंशन से मतलब नहीं है. आईसीआई अज्यूम कि वो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, अगली वाली मीटिंग में कोरम आके काम हो जाएगा, अच्छे से हमारी मीटिंग हेल्ड हो जाएगी, तो रिक्वायरमेंट ऑफ फोर बोर्ड मीटिंग्स इज सेटिस्फैक्टरीली फुलफिल्ड. कमिंग टू योर नेक्स्ट, ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स आर इंक्लूडिंग द कोरम. कभी का डाउट आता है कि एडिशनल हो या कोई और डायरेक्टर हो तो वो इंक्लूड होएंगे या नहीं होएंगे, सारे डायरेक्टर्स आपके इंक्लूड हो जाते हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, लेट्स से देर आर 30 डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट. ठीक है, आपको देखना कि एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे 28 आए हुए मीटिंग में उस पर्टिकुलर टाइम पे, बिकॉज वी नीड टू सी द कोरम रिक्वायरमेंट एट द स्टार्ट एज वेल एज द कंटिन्यूटी ऑफ द मीटिंग. सो ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी एक हमारा पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस होने वाला था इन विच देर आर 28 डायरेक्टर्स प्रेजेंट. आउट ऑफ 28, 20 आर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स एंड 8 आर डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स. 8 आर, ये मैंने एग्जांपल लिया, एक पर्टिकुलर मैटर के रिस्पेक्ट में चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में चल रहा है, इन विच 20 आर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स. सो माय सेक्शन 174 सबसेक्शन 1 सेज दैट द कोरम शुड बी 1/3 और 2 व्हिचएवर इज हायर. तो 1/3 निकाल लिया 10 और 2 व्हिचएवर इज हायर, जो कि आया 10. बट 10 शुड बी कॉम्पिटेंट टू एक्ट. इसमें से 20 जो इंटरेस्टेड है वो तो कॉम्पिटेंट टू एक्ट ही नहीं है, तो क्या मेरा कोरम बना? आंसर इज नो, क्योंकि आपके कॉम्पिटेंट टू एक्ट कितने हैं? मात्र 8.
आपको 10 एलिजिबल डायरेक्टर्स चाहिए थे, 8 ही काम आपके सामने बैठे हुए हैं, 8 ही आपके सामने बैठे हुए हैं, बट ओनली 8 एग्जिस्ट, हेंस 174 सबसेक्शन 1 इज नॉट सेटिस्फाइड. मैं इसको एक बार फिर से बता रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कि वी वॉन्टेड 10 एलिजिबल डायरेक्टर्स. एलिजिबल मतलब जो काम कर पाए, जो कोई कंपिटेंट हो बेसिकली काम करने के लिए. अब 184 सबसेक्शन 2 के हिसाब से अगर कोई इंटरेस्टेड है वो काम नहीं कर सकता, तो हमें इस 20 को नहीं गिनना, हमें इस 20 से कोई मतलब नहीं. हमने कहा बचे हुए कौन आए हो, वो कह रहे हैं सर हम तो 8 जने आए हुए हैं. मैंने कहा मुझे तो 10 जने चाहिए थे, तो 174 सबसेक्शन 1 आपका नहीं लग सकता. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स चेक सेक्शन 174 सबसेक्शन 3. Why did I say let's check? Because 174 subsection 3 is applicable only if interested directors are more than or equal to 2/3 of the total number of directors. तो total number of directors मेरे कितने हैं? 30. तो 30 का 2/3 मैंने चेक कर लिया कि 20 आ रहा है. क्या इसमें मेरे 20 interested आए हुए? Yes. क्योंकि मैंने क्या बोला था, interested and present in the meeting, right? तो मेरे meeting में कितने आए हुए? Number of directors, interested directors in the meeting कितने हैं? ऊपर वाले language paper देख लो. Number of interested directors required to make 174(3) applicable and वो आया मेरा 20. In the meeting कितने? 20. Hence section 174 subsection 3 is applicable. Now check the quorum. Quorum क्या कहता है? Minimum 2 disinterested directors. But we have 8. So quorum is validly fulfilled as per 174 subsection 3. देखो, now check the quorum. Need 2 disinterested directors. Have 8. So quorum as per 174(3) exists and meeting business can be held. वो वाला particular matter का काम आपका हो जाएगा. Now what if in above case out of 28, 17 happened to be interested and 11 happened to be disinterested. First check section number 174 subsection 1. 1/3 of 30 और 2 मेरा 10 आया हुआ था, और मेरे current वाले केस में 10 के against मेरे पास 11 disinterested already आए हुए हैं. Already आए हुए. So now we have this, we have 11 disinterested directors and quorum as per 174(1) exist. No need to check 174(3). मतलब अगर आप check करते भी हो, तो आपको 20 interested चाहिए थे, वो तो वैसे भी इसमें applicable नहीं होएगा. क्योंकि 1/3 और 2/3, तो 2/3 से अगर ऊपर इंटरेस्टेड हो जाते तो मेरा सेक्शन 174 सबसेक्शन 1 तो लग ही नहीं सकता. तो इसमें लग गया, इसका मतलब मेरे उतने इंटरेस्टेड नहीं आए हुए. तो ठीक है, तो आप ये लाइन काट भी सकते हो या फिर इसको रहने भी दे सकते हो. ठीक है, तो आप चेक करोगे तब भी 174 सबसेक्शन 3 नहीं लगेगा. इसमें मेरा 174 सबसेक्शन 1 के हिसाब से काम बन चुका है, मेरा कोरम बन चुका है. ठीक है, ओके. नाउ सो 174(3) आपका एक बेनिफिट की फॉर्म में आता है. सो चेक इट्स एप्लीकेबिलिटी फर्स्ट. बेनिफिट लगाने के लिए आपके एक एप्लीकेबिलिटी चेक कर लेना. बेनिफिट कैसे है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे 2/3 इंटरेस्टेड हो जाते हैं, तो उसने मेरा कोरम की रिक्वायरमेंट चेंज कर दी है, लेकिन वो एप्लीकेबल तभी है जब 2/3 वाली कंडीशन फुलफिल हो. नाउ एओए ऑफ एनी कंपनी, ध्यान रखना एनी कंपनी है, कोई भी कंपनी बोल सकती है कैन स्पेसिफाई हायर कोरम रिक्वायरमेंट्स. एनी हायर कोरम रिक्वायरमेंट्स, वो कहते हैं हमें तो सारे डायरेक्टर चाहिए मीटिंग में. अच्छी बात है, कर लो. कंपनीज एक्ट से तो ज़्यादा स्ट्रिक्टर ही लगा रहे हो, कम नहीं बोल सकते. ज़्यादा बोल सकते हो, कम नहीं बोल सकते. सेक्शन 174 इज नॉट एप्लीकेबल टू ओपीसी विच हैज ओनली वन डायरेक्टर. ऑब्वियसली एक डायरेक्टर अगर वैसे ही लगा हुआ है और ओपीसी के अंडर कंपनी फॉर्मड है, तो उसमें कोई हम कोरम की बात बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने ही आपको अलाउ किया ओपीसी कंपनी बनाना. एक चीज ध्यान रखना, 174 सबसेक्शन 4 में वी टॉक्ड अबाउट दिस वर्ड एज नेशनल हॉलीडे. समटाइम्स स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि संडे सोचती, कभी कभार बोल देते कि संडे को भी मीटिंग नहीं हो सकती. ध्यान रखना, संडे इज अ पब्लिक हॉलीडे. संडे इज अ पब्लिक हॉलीडे, नॉट ए नेशनल हॉलीडे. ध्यान रखना, तो संडे इज अ पब्लिक हॉलीडे, नॉट ए नेशनल हॉलीडे. सो 174 सबसेक्शन 4 की एडजर्न मीटिंग कैन बी हेल्ड ऑन संडे. आई होप यहाँ तक 174 आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है. कहीं पे भी कोई डाउट हो, रिव्यू रिवाइंड करके प्रॉपर तरीके से पूरा समझना, एंड साथ साथ क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा भी कह सकते हैं कि मीटिंग के साथ स्टार्ट में मैंने 10 जने थे और बीच में 4 जने छोड़ के चले गए, और उस टाइम आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट, आपने कोई ऑर्डर ऑफ बिजनेस कंडक्ट कर लिया. सो यू नीड टू चेक कोरम दोनों टाइम. पहले एनालाइज करो कोरम एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग, देन कोरम को एनालाइज करो एट दैट पर्टिकुलर बिजनेस, बिकॉज द एक्ट सेज, द लॉ सेज दैट कोरम स्टार्ट में भी होना चाहिए एंड ड्यूरिंग द मीटिंग भी होना चाहिए. तो ठीक है, ये सारे आपके क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में ही मैंने पॉइंट्स को ऑलरेडी अब इनकॉर्पोरेट कर लिया है. व्हाट एवर क्वेश्चंस यू डू, आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं आएगा. इफ एनी डाउट यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एज पर द अबव मेंशन डिटेल्स. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स कम टू सेक्शन नंबर 184. अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में प्रैक्टिकल कुछ एमसीक्यूज, मजेदार एमसीक्यूज और नंबर्स का गेम हम एमसीक्यूज में भी लेंगे प्रॉपर तरीके से, तो आप वहां पे भी आंसर करना ऑनेस्टली. नाउ
कमिंग टू ईयर 184, 184 टॉक्स अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट. एक मोटा मोटा पहले कंसेप्ट समझते हैं व्हाई 184 वाज इनकॉर्पोरेटेड. बेसिकली एज इन द स्टार्ट वी टॉक्ड अबाउट द कंसेप्ट दैट डायरेक्टर्स आर इन द पोजीशन ऑफ अ ट्रस्ट. एक फिड्यूशरी कैपेसिटी में अगर मैं शेयर होल्डर हूँ देन आई ट्रस्ट दैट पर्टिकुलर डायरेक्टर कि वो कंपनी के हित में काम करेगा. ही विल वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स. जैसे कहते हैं कि कंपनी का एम क्या होता है, शेयर होल्डर मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, मैसेफ एम में भी पढ़ते ये चीज़. तो अगर मैं उसको ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसके रिस्पेक्ट में कोई भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि डायरेक्टर अपना माइंड को बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं रख पाएगा कंपनी के लिए, कैसे बनेगी वो? अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड है. लेट्स से मिस्टर एक्स इज अ डायरेक्टर इन रिलायंस, एंड मिस्टर एक्स ऑल्सो हैज सम शेयर होल्डिंग, लेट्स से 5% इन XYZ लिमिटेड. नाउ रिलायंस इज थिंकिंग ऑफ एंटरिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद XYZ लिमिटेड. ऑब्वियसली क्या मिस्टर एक्स का भी इसके अंदर फायदा नहीं होने वाला है? येस, क्योंकि वहाँ पे अगर प्रॉफिट होता है, वहाँ पे उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो मिस्टर एक्स का भी फायदा होएगा बिकॉज ही इज वेस्टेड इन द कंपनी. उसके पास 5% की शेयर होल्डिंग है. सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ दिस डायरेक्टर मिस्टर एक्स टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट, जो भी है, जितना भी इंटरेस्ट है, कंसर्न जो भी है, शेयर होल्डिंग है, सारा कुछ रिलायंस के डायरेक्टर्स को बता दे, सबको डिस्क्लोज कर दे प्रॉपर तरीके से, ताकि कंपनी तरीके से सोच पाए. राइट, तो एक इमेज क्लियर है. नाउ लेट्स कम टू दी फॉर्मली उसको डिस्कस करते हैं. 184 में दो चीज़ें हैं, 184 सबसेक्शन 1 एंड 184 सबसेक्शन 2. सबसेक्शन 1 इज अ जनरल डिस्क्लोजर. जनरल डिस्क्लोजर बिना सोचे समझे आपका किसी भी कंपनी के साथ कैसा भी नाता हो, छोटा नाता हो, बड़ा नाता हो, स्मॉल रिलेशनशिप, बिग रिलेशनशिप, शेयर्स हो, कुछ भी हो, मुझे सब कुछ बता दो. मुझे मतलब कंपनी को सारा जनरल डिस्क्लोजर दे दो. बट स्पेसिफिक डिस्क्लोजर अप्लाइज ओनली इन सर्टन केसेस जो हम आगे पढ़ेंगे. सो 184.1 is your general disclosure and 184.2 is your specific disclosure. 184.1 के रिस्पेक्ट में क्या बोला है? Every director, अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर ये डिस्क्लोज कब करना है, तो ध्यान से देखो. Every director at first board meeting ही participates as a director. मैं जब भी director बना तो उसके बाद जो भी पहली meeting में attend करूँगा सब कुछ बता दो, मेरा कौन सी company में क्या क्या नाता है. ठीक है, next, first board meeting of the financial year, हर साल की पहली बोर्ड मीटिंग में भी बताओ. एंड वेन एवर एनी चेंज इन द डिस्क्लोजर्स ऑलरेडी मेड फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर सच चेंज, लेट्स से आई डिस्क्लोज माय शेयर होल्डिंग ऑफ 5% एंड आफ्टर दैट आई अक्वायर्ड फर्दर 2%, तो उसके बाद की बोर्ड मीटिंग में बता दो कि भैया लास्ट टाइम मैंने बता दिया था 5 है, 2 और ले चुका हूँ, सो माई टोटल क्यूमुलेटिव शेयर होल्डिंग इज 7%. राइट, यहाँ तक क्लियर है. ही नीड्स टू डिस्क्लोज हिज शेयर होल्डिंग. शेयर्स ले रखे हो तो बताओ, कोई कंसर्न है, कोई इंटरेस्ट है, मतलब कुछ भी आपका कोई भी रिलेशन है इन एनी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, उसको डिस्क्लोज कर दो. डिस्क्लोज कैसे करना है ये रूल 9 बताता है. रूल 9 ऑफ कंपनी मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स 2014, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको पता है. ठीक है, चैप्टर के रूल्स का नाम लिखना होता है, सिर्फ रूल 9 लिखोगे तो गलत हो जाएगा. हाउ टू डिस्क्लोज, फॉर्म नंबर लर्न कर लेना, फॉर्म MBP1. फॉर्म MBP1 में डिस्क्लोजर जाएगा. इट इज द ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर टू हैव इट डिस्क्लोज्ड इन द मीटिंग. लेट्स से आई हैव गिवन द नोटिस बट मीटिंग में बात नहीं हो रही है, तो मैं बोलूंगा भाई मैंने जो मीटिंग के रिस्पेक्ट में डिस्क्लोजर दे रखा है फॉर्म MBP1 में, काइंडली हैव इट, मतलब उसको डिस्क्लोज करवाओ, उसको जोर से पढ़वाओ. सो इट इज माई ड्यूटी टू हैव इट डिस्क्लोज्ड इन द मीटिंग. सेकेंड, ये जो नोटिसेज मैं आपको दे रहा हूँ फॉर्म MBP1 वगैरह के, जो भी डायरेक्टर्स दे रहे हैं, दीज नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड फॉर 8 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस. तो जिस भी ईयर में आपके पास आएगा उसके साल के एंड के 31 मार्च से 8 साल तक प्रिजर्व करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस में प्रिजर्व करना है, इन द कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय बोर्ड. ये फेयरली सिंपल है. आगे आ जाओ 184 सबसेक्शन 2. एवरी डायरेक्टर, अब ये स्पेसिफिक डिस्क्लोजर है. ठीक है, ये स्पेसिफिक डिस्क्लोजर है, अगर कंडीशंस पूरी हुई तो ही लगेगा. कंडीशंस क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे. एवरी डायरेक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर्ड और टू बी एंटर्ड, हो चुका है या होने वाला है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली का एग्जाम्पल जैसे थ्रू स्पाउस. ठीक है, कोई मिस्टर एक्स कर रहा है, तो अगर मिस्टर एक्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो हो सकता है मिसेस एक्स ने ऑलरेडी शेयर्स ले रखे हो, तो वो इनडायरेक्टली होल्डिंग हो जाएगी. राइट, अब कंडीशन क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है. ठीक है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, उस बॉडी कॉर्पोरेट में लेट्स से हमारे दो डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई. तो इधर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, मैं यहाँ पे और मिस्टर वाई भी लिख सकता हूँ, कोई भी डायरेक्टर का मोर देन 2% शेयर होल्डिंग है, या तो अकेले या तो इन एसोसिएशन.
एसोसिएशन मतलब टुगेदर हम देखें तो मोर देन 2% जा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ दो नहीं, ये तीन भी हो सकते हैं, ये तीन भी हो सकते हैं, ठीक है, ये चार भी हो सकते हैं, वॉट एवर इट इज, मतलब वन और मोर देन वन। तो हमें देखना है मोर देन 2% है क्या किसी और बॉडी कॉर्पोरेट में, या फिर एनी डायरेक्टर इज इन पोजिशन ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट पोस्ट, क्या क्या, प्रमोटर, मैनेजर या सीईओ ऑफ दिस बॉडी कॉर्पोरेट। तो इस केस में स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में, मुझे बताना पड़ेगा कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में इस कंपनी में मैं इन इन जगहों पे फॉल कर रहा हूँ, या तो मोर देन 2% या तो मैं प्रमोटर मैनेजर सीईओ, तो मैं वोट नहीं कर सकता, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये आगे आएगा। नाउ नेक्स्ट, और क्या हो सकता है, सेकेंड केस क्या हो सकता है, इफ एनी डायरेक्टर इज अ पार्टनर, ओनर और मेंबर इन एनी फर्म और एनी अदर एंटिटी। ऊपर बात लिखी थी बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में, नीचे पढ़ा है हमने फर्म और अदर एंटिटी, तो सेम नहीं है, लगेगा सेम है, अलग अलग है। ओके, नाउ व्हाट ही नीड्स टू डू, ये ए और बी क्लॉज पढ़ लिया, अगर ऐसा हो जाता है तो उसको क्या करना है, दैट डायरेक्टर और दोज डायरेक्टर्स, व्हाई आई एम सेइंग दोज डायरेक्टर्स, अगर एसोसिएशन में दो तीन का टोटल मोर देन टू हो जाता है तो दे नीड टू डिस्क्लोज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न एट द बोर्ड मीटिंग वेयर द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट वुड बी डिस्कस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जहाँ पे भी पहली बार डिस्कस होने वाला है मुझे फटाफट से जाके बता देना है कि मेरा ये इंटरेस्ट है, एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। प्राइवेट कंपनी ऊपर 174 के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ लिया था, जहाँ पे हमने इंटरेस्टेड डायरेक्टर की बात करी थी कि फॉर प्राइवेट कंपनी जिसने 92 और 137 कंप्लाई कर रखा है, उस केस में इफ द इंटरेस्टेड डायरेक्टर मेक्स प्रॉपर डिस्क्लोजर्स तो वो डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर के काउंटिंग में आ जाएगा, ही कैन बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल डायरेक्टर। सो द इंटरेस्टेड डायरेक्टर मे पार्टिसिपेट आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको हम पार्टिसिपेशन करने दे देंगे, वो कोरम में आ जाएगा, वो कोरम में आ जाएगा, ठीक है। इफ नॉट इंटरेस्टेड, ये कोरम वाली बात भी ध्यान रखना, अगर प्राइवेट कंपनी दे रखी होगी और अगर कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर डिस्क्लोजर कर देता है तो वो कोरम में गिन लिया जाएगा, ठीक है। ओके, इफ नॉट इंटरेस्टेड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का था, पहले 2 साल में मेरी कोई होल्डिंग नहीं थी, बचे हुए 3 साल में उस कंपनी में आए, बॉट सम शेयर्स, तो उस केस में कोई बात नहीं, आप ऑनेस्टली अगले मीटिंग में जाके बता दो, तो इमीडिएटली बता दो, तो ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, बट ही बिकम्स इंटरेस्टेड लेटर ऑन, देन कोई बात नहीं, डिस्क्लोज एट द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और फोर्थवेथ, इमीडिएटली कर दो, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में बता देना, ऑनेस्टली बता देना। अब 184 सबसेक्शन 3, 184 सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट नॉन कंप्लायंस, इफ एनी नॉन कंप्लायंस देन द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट शैल बी वॉइडेबल। वॉइडेबल का क्या मतलब होता है, जरूरी नहीं है भी वॉइड है, ऑप्शन आ जाएगा किसके पास, कंपनी के पास, जिस कंपनी के लोग डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, जिस कंपनी के लोग डायरेक्टर्स हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, राइट। डायरेक्टर का कोई रोल नहीं है, डायरेक्टर नहीं बोल सकता कि इसको वॉइड कर दो, कंपनी के हाथ में है। 184 सबसेक्शन 4 पेनल्टी वगैरह क्या लगेगी, इफ एनी कॉन्ट्रावेंशन बाय द डायरेक्टर ऑफ 184(1) और 184(2) देन इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन अप टू 1 लाख और बोथ। तो ये लर्न कर लेना अच्छे से, एंड वेकेशन की प्रोविजंस भी लग जाते हैं, वो अपने 167 में पढ़ रखा है, जस्ट मैंने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया है। ओके, नाउ 184 सबसेक्शन 2 का एक स्पेसिफिक डिस्क्लोजर जो हमने पढ़ा उसका एक एक्सेप्शन है फॉर सेक्शन 8 कंपनी, छोटी कंपनीज होती है एनपीओ वगैरह की, तो उसमें बोल रहे हैं प्रोवाइडेड हम आपको एक्सेप्शन तभी देंगे व्हेन यू आर कंप्लाइंग विद 92 एंड 137। तो आप पे 184(2) तभी लगेगा इफ द ट्रांजैक्शन विद रेफरेंस टू 188 रिलेटेड पार्टी के रिस्पेक्ट में आपकी जो ट्रांजैक्शंस वगैरह ये हो रही है, जो आपको डिस्क्लोजर देना है जिसके रिस्पेक्ट में, वो तभी लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस इफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख, 1 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शंस के लिए ही लगेगा। तो ये बस एक अमाउंट ध्यान रख लेना, और सेक्शन 8 के लिए ध्यान रख लेना। इंटरेस्टेड डायरेक्टर शैल नॉट बी काउंटेड इट कोरम, ऑब्वियसली बिकॉज वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो कुछ बोल नहीं सकता, वो वोट नहीं कर सकता, तो वो एलिजिबल ही नहीं है, वो कॉम्पिटेंट टू एक्ट नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट में। नाउ certain important questions and points to remember, interested director can vote in the general meeting if he is holding any shares, please reiterate this point in your mind that section 184 is talking about the disclosure and it is restricting the voting power of the person in the capacity of director, let's say that particular person who is a director also holds some shares in that company and the same matter comes for discussion in the general meeting, will we restrict him again in the capacity of shareholder, answer is no, wo bande ke upar 184 nahi lagega kyunki wo director ki position pe lagta hai, agar wo shareholding mein in the capacity of a member baitha hai to us case में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, प्रोवाइडेड इट डज नॉट अमाउंट टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटी, मतलब सिंपल समझ लो कि अगर उसने कोई गड़बड़ नहीं करी, कंपनी का नुकसान नहीं करवाया और कंपनी को नुकसान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल मीटिंग में उसने अपने शेयर्स को एक्सरसाइज नहीं किया, तो उस केस में हम आपको नहीं रोकेंगे, ठीक है। इसे एग्जांपल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्वेश्चन आया हुआ आईसीआई के ऊपर. लेट्स से देयर इज अ कंपनी एसएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड. इट हैज द डायरेक्टर्स, दो डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, मिस्टर राम एंड मिस्टर श्याम. मिस्टर राम का सेवा लिमिटेड में 1.2% है और मिस्टर श्याम का 1.5% है. अब इंडिविजुअली देखोगे तो लेस देन 2 है, बट वी ऑल्सो कवर्ड द केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ 2% एक्सीडिंग 2%. तो इसके अंदर यू नीड टू एनालाइज, आंसर मत देखना, आप दिमाग में फटाफट से लाओ, बेशक वीडियो को रोक के दिमाग में लाओ दैट व्हाट विल बी द 184 कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड. क्विकली रिवाइज करते हैं कि 184 में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, जनरल डिस्क्लोजर और स्पेसिफिक डिस्क्लोजर. जनरल डिस्क्लोजर में हमने क्या पढ़ा था कि कोई परसेंटेज की बात नहीं करनी, कोई भी परसेंटेज की बात नहीं करनी. तो इसके अंदर मैंने जैसे देखा कि कुछ भी परसेंटेज है, मैंने नंबर नहीं देखा, मैंने कहा 184 तो भैया लगा ही दो, 184 तो भैया लगा ही दो, जनरली डिस्क्लोज तो करना ही करना है पहली मीटिंग में. 184 टू भी चेक कर लो, इस केस में 184 टू भी लग जाएगा बिकॉज टोटल मोर देन 2% जा रहा है, टोटल मोर देन 2% जा रहा है, इसीलिए जनरल डिस्क्लोजर भी जाएगा, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर भी जाएगा. अगर मैंने जनरल डिस्क्लोजर कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम मैंने बोल दिया मैंने कर तो दिया जनरल डिस्क्लोजर. नो, यू नीडेड टू कंप्लाई विद 184 टू ऑल्सो. दीज टू आर इंडिपेंडेंट सेक्शंस, 184(1) एंड 184 टू. आंसर देख लो, 184 की एप्लीकेबिलिटी के लिए 184(1) जनरल डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, 184(2) स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स ऑल्सो रिक्वायर्ड एज टोटल होल्डिंग इज मोर देन 2%. बोथ 184(1) एंड 2 आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, राइट. तो यहाँ तक हमने 174 और 184 को अच्छे से डिस्कस कर लिया है. ये सारी चीज़ें आपकी पॉइंट्स भी ऐसे के ऐसे ही काम आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में. प्लस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको छोड़ के जितने भी क्वेश्चंस के कोई पॉइंट्स निकलेंगे वो एमसीक्यूज और शॉर्ट रिविजनरी पॉइंट्स में कवर हो जाएंगे. नाउ लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट सेक्शन 186. ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं, सेक्शन नंबर 186, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, स्टार्ट करते हैं. 186 talks about loans and investments by the company which is applicable on both your public company as well as a private company. 186 subsection 1, layers of investment company. Basically होता क्या है layers of investment company में, layers को ज़्यादा detail में मत समझना, बहुत घुसना नहीं है. Basic क्या होता है, हम एक में invest कर रहे हैं, वो एक में invest कर रहा है, ऐसे layers of investment बन रहे हैं, ठीक है. तो 186 subsection 1 क्या कहता है, unless otherwise prescribed investment can be done through maximum 2 layers of investment company. Investment company हम maximum 2 layer of investment company से काम कर सकते हैं. और investment company का मतलब क्या होता है, ये एक explanation दे रखी है, end में मैं उसको cover कराऊंगा. Simple सा इसको quickly बता देता हूँ. Investment company का मतलब वो होता है जो कि principal business जिसका काम क्या है, इन्वेस्ट करना, अक्वायरिंग करना. और प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है, या तो उसका इस इन्वेस्टमेंट वाला जो पार्ट है इसके रिस्पेक्ट में जो असेट्स है दे कॉन्स्टिट्यूट मिनिमम 50% ऑफ द टोटल, या फिर इनकम मिनिमम 50% ऑफ टोटल इनकम. तो हम कह देंगे सब्सटेंशियल इसका काम यही है, ठीक है, वो आगे हम पढ़ लेंगे एक बार फिर से. तो इसमें एमसीक्यू करके ध्यान रखना, ये मेरा मैक्सिमम 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी से आपको इन्वेस्टमेंट्स करना अलाउड है. हमारा एम क्या है, बेसिकली टू प्रिवेंट द डाइवर्जन ऑफ फंड्स. अगर आपने इकोनॉमिक फ्रॉड्स पढ़े होंगे, कहीं पे भी कोई केस देखा होगा, जनरली देर इज डाइवर्जन ऑफ फंड्स थ्रू मेनी लेयर्स, तो वो कंपनीज एट आपको रोक रहा है, ठीक है. वरना इतना ज़्यादा अगर काम फैल गया और 5-6 साल का फ्रॉड लग गया तो उसको पेपर ट्रेल बनाना, उसकी मनी ट्रेल बनाना, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. ओके, तो हमारा एम हमें पता चल चुका है. लेकिन दिस शल नॉट अफेक्ट मतलब एक्सेप्शन मतलब दो लेयर्स की बात नहीं लगेगी किसके ऊपर. इफ देर इज एन इंडियन कंपनी विच इज अक्वायरिंग अ कंपनी इन अब्रॉड एंड दैट कंपनी इन अब्रॉड हैज इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरीज बियॉन्ड 2 लेयर्स एज पर द लॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. इफ माई कंपनी इज अक्वायरिंग एक्स लिमिटेड इन सिंगापुर एंड एक्स लिमिटेड के पास इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरीज मोर देन 2 जा रही है, बट दे आर द एक्स लिमिटेड इज कंप्लाइंग विद द लॉज ऑफ सिंगापुर. अगर सिंगापुर के लॉस के हिसाब से वो कंप्लाइड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन टोटेलिटी मेरी कंपनी में शायद मोर देन 2 हो जाए. बट ये केस स्पेसिफिक है जब अक्वायरिंग द कंपनी विच इज बीइंग अक्वायर्ड आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड है, ठीक है. या फिर अ सब्सिडियरी फ्रॉम हैविंग एन इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स अंडर एनी लॉ. तो कोई स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट्स की वजह से अगर सब्सिडियरी कंपनी को 2 से ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरीज बनानी पड़ गई तो उस केस में भी अलाउड है. इसको ज़्यादा डिटेल में मत जाना, इसके अंदर में टाइम नहीं लगा रहा, ऐसा कैसा इसको लर्न कर लेना. नाउ 186 सबसेक्शन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सेक्शन का पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखो 186 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, लैंग्वेज ढंग से अंडरस्टैंड करेंगे. आई एम मिक्स्ड, थोड़ा बेयर एक्ट एंड थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से मैंने इसकी प्रेजेंटेशन बनाई है, तो ध्यान से समझना.
नो कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी पब्लिक हो या प्राइवेट हो, शल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्या नहीं करेगी, कोई भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली विल नॉट गिव एनी लोन, विल नॉट गिव एनी लोन टू एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट, शल नॉट गिव एनी गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद अ लोन टू एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन, एंड विल नॉट अक्वायर बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन परचेज अदरवाइज, मतलब मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज इंपॉर्टेंट नहीं है, एनी सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब क्या बोल दिया हमने, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कोई भी कंपनी नहीं करेगी, हमने बोला है नहीं करेगी, अब उसके ऊपर हम लिमिट लगाएंगे कि कब तक क्या लेवल तक करेगी नहीं करेगी, और इसके ऊपर जाना है तो कैसे चलना है। उससे पहले ध्यान रखना, चलो पहले हम इसको फ्लो में खत्म कर लेते हैं, हम हमारा ध्यान से लैंग्वेज को माइंड में रखना, नो कंपनी शल लोन नहीं देगी, गारंटी नहीं देगी, सिक्योरिटी नहीं देगी, अक्वायर नहीं करेगी इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग द फॉलोइंग लिमिट्स, मतलब इन लिमिट्स तक कर सकती है, सर यस इस लिमिट्स तक कर सकती है, इस लिमिट्स के ऊपर क्या करना पड़ेगा आगे बढ़ेंगे, लिमिट्स पहले अंडरस्टैंड करो, दीज आर द लिमिट्स ऑफ 186 सबसेक्शन 2, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम का टोटल कर लेना, उसका 60% और 100% ऑफ, मैंने जान के प्रेजेंटेशन ऐसी रखी है, बताता हूं इसका, 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स और प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो जब मैं उसको 100% बाहर से लिमिट बढ़ा रहा हूँ तो अंदर से कुछ कम करना चाहिए, कम क्या करेंगे, द सबसे बड़ा वाला कंपोनेंट जनरली पेड अप शेयर कैपिटल ही रहेगा, तो 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस जनरल फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम और 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, पेड अप शेयर कैपिटल को हटा देना, इन दोनों का हायर ओके। बट व्हाट इफ सो फार जो आपने चीज़ें करी है, मतलब अभी तक लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कितनी कर चुके हो, प्लस जो आपकी प्रपोजल की बात चल रही है जिसके रिस्पेक्ट में यू विल बी एनालाइजिंग द क्वेश्चन, तो वो अगर एक्सीड कर रहा है लिमिट्स तक, अगर वो एक्सीड कर रहा है तो इन दैट केस फर्स्ट टेक अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। सो क्विकली इसको एक बार रिवाइज करते हैं, कोई भी कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी उन लिमिट्स के बाहर, मतलब अगर मुझे एक लिमिट बता दी है, वो लिमिट क्या है, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम और 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, इन दोनों का हायर, लेट्स से वो हायर आ रहा है 100, तो अगर 100 तक आपके लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट चल रही है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चला लेना, 100 तक आपको काम करना है तो कंपनी कर सकती है बिना कोई फॉर्मेलिटी पूरी करवाए, सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चला लेना। अगर इस लिमिट से ऊपर जा रहा है लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, तो उस केस में यू नीड टू हैव मेंबर्स अप्रूवल बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, ओवर से काम नहीं चलेगा। क्या बात समझ में आ चुकी है, आगे चलते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन में एक और चीज, स्पेसिफाई द मैक्सिमम लिमिट, अब मेंबर्स जब एसआर पास करेंगे, दे नीड टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम लिमिट्स, लेट्स से 100 करोड़ तक आप लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिकॉज अनलिमिटेड पावर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कभी नहीं दे सकते, फाइनल कंट्रोल एंड अथॉरिटी शुड बी ऑफ द मेंबर्स, सो नो अनलिमिटेड पावर, तो उसके अंदर बता देना कब तक जा सकते हो, कब लिमिट क्या है। ऑल्सो इफ सेक्शन 110 अप्लाइज तो पोस्टल बैलेट लगेगा, डज नॉट अप्लाई ऑन ओपीसी एंड कंपनी जिसके अप टू 200 मेंबर्स हो, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए, इसको बस लर्न कर लेना, पोस्टल बैलेट का मेथड आपको अगर लग रहा है 110 तो पोस्टल बैलेट से ही आपको काम करना है, 110 को स्पेसिफिक जनों भी लगता है जो गवर्नमेंट जिनको बताती है, अगर ओपीसी है और अगर छोटी कंपनी है मतलब 200 तक ही मेंबर्स है तो पोस्टल बैलेट से काम मत करना। अब नेक्स्ट चीज, नो SR इज रिक्वायर्ड इफ, ये हम आगे प्रोविजंस क्या पढ़ रहे हैं, अगर ये स्पेसिफिक केस हो, हम दो केस पढ़ने वाले हैं उसके अंदर SR रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन बाकी के जो हम प्रोविजंस पढ़ेंगे एंड बाकी के जो कंडीशंस पढ़ेंगे वो प्रॉपरली एप्लीकेबल है, तो नोट बैलेंस ऑल प्रोविजंस नीड टू बी कंप्लाइड, ठीक है। अब वो दो कौन से केसेस है, इफ सम कंपनी इज गिविंग एनी लोन गारंटी सिक्योरिटी टू होल्डली ओन सब्सिडरी या फिर उसकी JV पार्टनर, या फिर कोई होल्डिंग कंपनी इज अक्वायरिंग और परचेजिंग और सब्सक्राइबिंग टू द सिक्योरिटीज ऑफ इट्स होल्डली ओन सब्सिडरी, तो इन दोनों केसेस में आपको ऐसा की जरूरत नहीं है, बस डिस्क्लोजर दे देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारी की सारी, और कोई आपसे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियर है, आगे आ जाओ। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है, डिटेल डिस्क्लोजर्स फॉर द मेंबर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देना, इंक्लूडिंग द पर्पस कि भैया क्यों दिया क्या दिया, सब कुछ डिस्क्लोज कर देना मेंबर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए।
अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना, हमने क्या बोला, अगर मेरी लिमिट्स ब्रीच नहीं हो रही तो बिना एसआर काम चल जाएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। लिमिट्स ब्रीच हो रही है तो बोर्ड रेजोल्यूशन तो चाहिए चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन भी चाहिए। नाउ देर आर टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड रेजोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोर्ड रेजोल्यूशन नीड्स टू बी पास्ड एट द बोर्ड मीटिंग, मतलब 175 सर्कुलेशन वाला मेथड नहीं चलेगा। और दूसरा यूनानिमस, यूनानिमस का मतलब बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अगर मेरे पांच डायरेक्टर आए हुए मीटिंग में तो पांचों ने ऑल द फाइव नीड टू से यस फॉर दैट पर्टिकुलर लोन गारंटी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट के डिसीजन के लिए। अगर पांच में से चार ने यस बोला और एक ने कुछ नहीं बोला, ठीक है, या तो तीन ने यस बोला दो ने कुछ नहीं बोला, तो इट इज़ नॉट यूनानिमस। ठीक है, मेजॉरिटी से कन्फ्यूज मत होना। ऑल्सो समटाइम्स स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज विद सेक्शन नंबर 162 इज वोटिंग ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड ऑन इंडिविजुअली। उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, द रेजोल्यूशन हमें अगर पास करना है एक ही रेजोल्यूशन में, वी वॉन्ट टू अपॉइंट टू और मोर डायरेक्टर्स, तो उस केस में बिफोर दैट रेजोल्यूशन एक और रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि हम ऐसा एक रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं, राइट। तो 162 का आपको रिकैप करवा रहा हूँ बस क्विकली। तो उस केस में द वर्ड्स रिटन आर, सच रेजोल्यूशन नीड्स टू बी पास्ड विद नो वोट अगेंस्ट इट। वो नो वोट अगेंस्ट इट में एग्जांपल ले रहा हूँ, पांच डायरेक्टर्स आए हुए हैं, एक ने यस बोला चार ने कुछ नहीं बोला, वो वाली प्रोविजन मेरी कंप्लाई कर जाएगी, उसको यूनानिमस से कंफ्यूज मत करना। यूनानिमस मींस इफ फाइव डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द मीटिंग ऑल द फाइव नीड टू से यस, एक भी चुप नहीं बैठ सकता। क्या बात समझ में आ गई है? आगे आ जाओ। द रिजोल्यूशन नीड्स टू बी पास्ड एट द बोर्ड मीटिंग, द रिजोल्यूशन नीड्स टू बी पास्ड एट द बोर्ड मीटिंग, सेक्शन 175 बाय सर्कुलेशन नॉट पॉसिबल। यूनानिमस रिजोल्यूशन चाहिए, यूनानिमस कंपनीज एक्ट में कहाँ कहाँ चाहिए होता है, ओनली टू, सेक्शन 186 एंड 203 सबसेक्शन 3। 203 सबसेक्शन 3 क्या था, क्विकली रिकैप करो, मैनेजर रेमुनरेशन के चैप्टर में हमने सारा डिस्कस कर रखा है, अपॉइंटिंग अदर पर्सन एज द एमडी हु इज ऑलरेडी अ एमडी और मैनेजर इन सम अदर कंपनी, मैक्सिमम वन अदर कंपनी, क्लियर है। तो दो जगहों पे कंपनीज एक्ट ने यूनानिमस बोल रखा है, अदर देन दैट आर्टिकल्स अगर कहीं और कहते हैं वो भी आपको यूनानिमस करवाना पड़ेगा। एक और चीज, उस बोर्ड रिजोल्यूशन के टाइम, उससे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज, अगर आपने किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई टर्म लोन लिया हुआ है, इफ यू हैव टेकन एनी टर्म लोन, तो आपको उससे प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड है, आपको उससे प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर आपने उससे टर्म लोन लिया हुआ है। तो कई जनों को डाउट आता है, सर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है? ऑल दो स्टूडेंट्स यू कैन जस्ट रेफर टू सेक्शन 2 क्लॉज 72, एक बार रीड कर लेना, उसमें LIC, IDFC ये सारे बॉडीज दे रखी है और कुछ जो CG बताती है, उतना एक बार रीडिंग आपके लिए बहुत है, अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो अगर PFI ने, जैसे LIC हो गया, LIC से मैंने टर्म लोन लिया हुआ है, टर्म लोन मतलब एक पीरियडिक लोन लिया हुआ है प्रॉपर, तो उस केस में आई नीड टू टेक अप्रूवल ऑफ LIC बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और लोन ऑफ 186। बट नो अप्रूवल फ्रॉम LIC इज रिक्वायर्ड इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या क्या? 1, माय लोन गारंटी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है इट इज नॉट क्रॉसिंग द लिमिट्स ऑफ सेक्शन 186 सबसेक्शन 2। कौन सी लिमिट्स की बात कर रहा हूँ मैं? 60 और 100 वाली, मतलब SR की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं पड़ रही, तो हम कह रहे हैं कि छोटा लोन है या छोटी गारंटी है या अमाउंट छोटे है, एंड जो LIC के रिस्पेक्ट में हमने लोन ले रखा है उसके रिस्पेक्ट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं हो रखा, द लोन इज सर्विस्ड प्रॉपरली और टाइम पे आपकी लोन की रीपेमेंट्स हो रही है। तो आगे देख लो, पब्लिक, मैं इसको रिपीट करवा रहा हूँ, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अ प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड इफ एनी टर्म लोन इज सबसिस्टिंग, बट नो प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड इफ 186 सबसेक्शन 2 लिमिट्स नॉट क्रॉस, दैट मींस नो SR रिक्वायरमेंट्स एंड नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ PFI लोन। ध्यान रखना, यू नीड टू कंप्लाई बोथ, एक नहीं है ये एंड है। ओके, नेक्स्ट एक सबसेक्शन 6 लगता है, द कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ SEBI एक्ट। सेक्शन 12 बात करता है कुछ स्टॉक ब्रोकर्स सब ब्रोकर्स की रजिस्ट्रेशन के बारे में, एंड देर आर सर्टेन प्रिस्क्राइब क्लासेस, उसके रिस्पेक्ट में अगेन कुछ लोन्स और उसके रिस्पेक्ट में CG ने कुछ प्रिस्क्राइब कर रखा है, वो क्या प्रिस्क्राइब है वो आपको कोर्स में नहीं करना है। तो कंपनी जो रजिस्टर्ड है सेक्शन नंबर 12 में ऑफ SEBI एक्ट एंड सर्टन अदर प्रिस्क्राइब क्लासेस शल नॉट टेक इंटरकॉर्पोरेट लोन्स और डिपॉजिट्स एक्सीडिंग प्रिस्क्राइब लिमिट्स एंड मेक फुल डिस्क्लोजर्स। तो बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब आ गया, बस ध्यान रखना सेक्शन 12 SEBI ब्रोकर्स की रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, उन कंपनीज को कुछ एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही इंटरकॉर्पोरेट लोन्स या डिपॉजिट्स लेना अलाउड है, उसके ऊपर वो नहीं ले सकती, और जो ले रही है उसके रिस्पेक्ट में भी डिस्क्लोजर जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको करके चलना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना। इसके आगे इस वाले सब सेक्शन में वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कमिंग टू योर नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन। अब वो क्या कह रहा है,
लॉ क्या कहना चाह रहा है कि आप किसी को लोन गारंटी दे रहे हो, कोई बात नहीं, हम आपको अलाउ कर रहे हैं, बट ये मत करना कि आपकी जान पहचान है या कंपनी से कोई क्लोजली एसोसिएटेड है, देन यू डू नॉट चार्ज एडिक्वेट इंटरेस्ट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन, ये स्पेसिफिक लोन के ऊपर ही बात हो रही है, बाकी गारंटी वगैरह के रिस्पेक्ट में कोई बात नहीं हो रही, वहाँ पे कोई पैसा नहीं जाता है, गारंटी जाती है सिर्फ, तो इंटरेस्ट की बात आती नहीं है. विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन लोन क्या बोला है, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए लोन पे, दैट शुड बी मिनिमम इक्वल टू द प्रीवेलिंग यील्ड. प्रीवेलिंग मतलब करेंटली इन सिचुएशन, किसके इक्वल, करेंटली द प्रीवेलिंग यील्ड ऑफ 1, 3, 5 or 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो कौन सा वाला लेना है इसमें से, जो भी क्लोजेस्ट होगा. लेट से मेरा 9 ईयर का लोन है, तो मैं 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला रेट ले लूंगा, उतना मिनिमम मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना है उसका दूसरी कंपनी से जिसको मैं लोन दे रहा हूँ. आई होप आई एम क्लियर यहाँ तक, ठीक है. तो क्लोजेस्ट टू टेनर. अच्छा, एक ऊपर हमारा वो ना पर्सन का एक पॉइंट छूट गया है, अभी हम इसके बात करेंगे इस वाले सबसेक्शन के बाद, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना रह गया, मुझे अभी ध्यान आया, अभी हम चेक करेंगे. अच्छा, एक क्लैरिफिकेशन आई थी एमसीए की इसके ऊपर, उसमें क्या बेसिकली बात हुई थी, ये जो प्रिवेलिंग यील्ड हम बोल रहे हैं ना, अगर मेरा इफेक्टिव यील्ड ऑन टैक्स फ्री बॉन्ड्स पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही, तो हो सकता है प्रिवेलिंग यील्ड से वो एक्चुअल में जो रिटर्न है ना वो थोड़ी ज़्यादा आ रही हो, बिकॉज उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है. तो क्या उस केस में मुझे जो मेरा मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन है वो भी बढ़ाना पड़ेगा? एमसीए ने कहा नहीं, उस वाले इसमें आपका कोई नॉन कंप्लायंस नहीं होगा, प्रिवेलिंग यील्ड जितना ही रख लेना. क्विकली इसको एग्जाम्पल फॉर्म में बता रहा हूँ, लेट से प्रिवेलिंग यील्ड इज 10%, बट दैट इंटरेस्ट इनकम हैपन्स टू बी टैक्स फ्री, तो एक्चुअल में जब मुझे टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा तो मैं 10% से थोड़ा ज़्यादा कमा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि अगर मैं टैक्स पे करता तो 10% से मेरी कुछ इनकम कम हो जाती, तो अगर उससे ज़्यादा हो रही है तो वो कह रहे कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है, जो प्रिवेलिंग यील्ड है उसके हिसाब से ही मैच करके मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पे ले लेना, ठीक है. तो इफ इफेक्टिव यील्ड ऑन द टैक्स फ्री बॉन्ड्स इज मोर देन द प्रिवेलिंग यील्ड, नो प्रॉब्लम, नो नॉन कंप्लायंस. ओके, एक सेक्शन 8 कंपनी के लिए इसका एक एक्सेप्शन है कि ये जो सब सेक्शन 7 है जो जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट शल नॉट अप्लाई इफ मोर देन इक्वल टू 26% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ये पेड अप शेयर कैपिटल है, इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड द लोन विच इट इज प्रोवाइडिंग, द लोन विच सेक्शन 8 इज प्रोवाइडिंग इज टू फंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और दिस इज विद रिस्पेक्ट टू उसके खुद के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके ऑब्जेक्ट्स के फर्दरेंस के लिए ही लोन दिया गया है, तो वो उसके बिजनेस के रिस्पेक्ट में ही है, तो हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, प्रोवाइडेड 26% सीजी या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स का होना चाहिए. अब पहले ऊपर आ जाओ, जो मेन हमने स्टार्टिंग में पर्सन के जो फ्लो में ना ये वाला पॉइंट छोड़ दिया था. देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके रिस्पेक्ट में भी एमसीए की क्लैरिफिकेशन आई हुई है. ये जो हम बोल रहे हैं ना, एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं देना, एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट को देना, ये हम जो बोल रहे हैं पर्सन वर्ड, इस पर्सन में दिस डज नॉट अप्लाई टू एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट दो होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर, जिस पर हमारा 185 लगता है, ठीक है. प्लस प्रोवाइडेड एज पर पॉलिसी, मतलब जो भी आपकी रेम्यूनरेशन एंड लोन देने की पॉलिसी है कंपनी की वो कंप्लाई करवा लेना. बाकी आप लोन्स को जैसे हम आपने रियल लाइफ में ऑडिट्स में देखा होगा कि नॉर्मल केस में स्टाफ एडवांसेस दिए जाते हैं, तो अगर उस केस में भी अगर ये नहीं बोला जाता तो दिक्कत पड़ सकती थी कंपनी को, राइट. सो दिस हैज बीन एडिक्वेटली क्लैरिफाइड, एम्प्लॉयज के लिए ये चीज नहीं लगती. ओके, एक्सेप्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर, जिसमें हम 185 का कंप्लायंस लेकर चलते हैं. ओके, तो उन दोनों पर लग जाएगा बस. नेक्स्ट सबसेक्शन क्या कह रहा है, अगर आपको लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आपका कोई भी करंट लोन के रिस्पेक्ट में कहीं पे भी कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. ऊपर जो डिफॉल्ट वाली बात पड़ी थी दैट वाज स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू द केस ऑफ अ टर्म लोन फ्रॉम अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये वाला जनरल है, ये कोई PFI की बात नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं. इफ एनी डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी डिपॉजिट्स रीपेमेंट और इंटरेस्ट, कोई भी आपने अगर डिपॉजिट ले रखा हो और उसके रिस्पेक्ट में कोई भी रीपेमेंट या इंटरेस्ट उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट है, कोई भी रीपेमेंट आपका नहीं हो रहा है, तो उस केस में टिल द टाइम सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज नो लोन गारंटी सिक्योरिटी, आप ये सारे काम नहीं कर सकते, राइट. नेक्स्ट 186 सबसेक्शन 9 में क्या बोला गया, आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है, एक फॉर्मेट मेंटेन करना है, जिसमें किसी को भी अगर वो पढ़ ले तो उसको ये पता चल जाए कि भैया इस कंपनी ने क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रखी है, क्या क्या सब कुछ कर रखा है. मेंटेन अ रजिस्टर इन द फॉर्म MBP2, मेंटेन अ रजिस्टर इन द फॉर्म MBP2, इट शल बी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, विद इन सेवन डेज एंट्री चढ़ानी है. कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि एज अ CS, अगर एज अ CS एक कंपनी सेक्रेटरी को
उसके रिस्पेक्ट में क्या क्या कंप्लायंसेस चेक करने हैं। तो आप लिखोगे कि कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखी है तो उसके रिस्पेक्ट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेटा होना चाहिए, एंड विद इन 7 डेज एंट्री जो है वो अपडेट हो जानी चाहिए इन द रजिस्टर फॉर्मेट MBP2, राइट। MBP1 ऊपर 184 में पड़ा था। नेक्स्ट, परमानेंट प्रिजर्वेशन एट रजिस्टर्ड ऑफिस, 8 साल नहीं है, परमानेंट 8 साल हमने 184(2) के रिस्पेक्ट में पढ़ा था, ये परमानेंट प्रिजर्व करना है, एंड इट शेल बी इन द कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर ऑथराइज पर्सन ऑफ बोर्ड, मैनुअल हो इलेक्ट्रॉनिक हो दोनों में चल जाएगा। एक्सट्रैक्ट्स अगर किसी मेंबर को चाहिए तो AOA में फीस मेंशन होगी जो कि मैक्सिमम 10 रुपये पर पेज हो सकती है, 10 रुपये पर, ये वाला जो है वो पर पेज है, ओके तो ये पर पेज हो सकती है और उसको आप कॉपी दे सकते हो। सबसेक्शन 10, 186 सबसेक्शन 10 बस ये बोलता है कि वो जो रजिस्टर है उसमें कुछ रिपीटेटिव बात भी हो रखी है 10 रुपये वाली, वो आप इंस्पेक्शन के लिए भी ओपन करना, नॉर्मल मीटिंग्स वगैरह में वो कोई भी आके इंस्पेक्ट भी कर सकता है। नाउ 186 सबसेक्शन 11 अगेन एन इंपॉर्टेंट सबसेक्शन, नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है। ये मैंने सेम टू सेम टेक्स्ट कॉपी फॉरवर्ड किया है, इसका कॉपी कर दिया है, इसमें कोई एनालाइज करने की जरूरत नहीं अलग से। नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन एक्सेप्ट सबसेक्शन 1, मतलब जो लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी वाली बात करी थी वो कंप्लाई करवा लेना, उसके बाद का वो लिमिट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन गारंटी के रिस्पेक्ट में SR, ये सारी चीज़ें आप भूल जाना। नथिंग शल अप्लाई टू एनी लोन मेड और गारंटी गिवन और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड और एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ बैंकिंग कंपनी, बाय एन इंश्योरेंस कंपनी, बाय एन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और अ कंपनी एस्टेब्लिश विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एंड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग, ये रिसेंटली अमेंडमेंट आई थी, फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस और ऑफ प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू, मतलब पहले इसका फर्स्ट वाला पार्ट कवर करते और तक, बैंकिंग इंश्योरेंस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये काम चलता रहता है, क्या वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पूरे टाइम ये लिमिट्स चेक करेंगे, लिमिट्स क्रॉस करेंगे तो क्या SR लेंगे, तो उनके लिए तो सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कंपनी चलाने में, बिजनेस करने में। सो दीज कंपनीज हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ सेक्शन नंबर 186 एक्सेप्ट सबसेक्शन 1, लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी का ध्यान रख लेना, बाकी ध्यान मत रखना। और क्या है, अगर कोई कंपनी बनाई गई है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है टू एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय, अच्छा फर्स्ट वाला यही तक खत्म हो चुका है और वाले में एक बार कवर करते हैं। एनी कंपनी जिसका काम क्या है विद द ऑब्जेक्ट, उसका काम बनाया गया है विद द ऑब्जेक्ट एंड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, तो वो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को फाइनेंस कर रही है या फिर इट इज प्रोवाइडिंग सम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, तो उनको प्रमोट करने के लिए 186 के एम्बिट से हटा दिया एक्सेप्ट सबसेक्शन 1, या फिर ये सारा का सारा सेक्शन एक्सेप्ट सबसेक्शन 1 किस पे और नहीं लगेगा, टू एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और मेड इन शेयर्स अलॉटेड इन परसुएंस ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 62 और इन शेयर्स अलॉटेड इन परसुएंस ऑफ राइट्स मेड बाय बॉडी कॉर्पोरेट। तो अगर ऐसे शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मेड इन शेयर्स, ये देखो इन्वेस्टमेंट मेड, ध्यान से पढ़ना, इन्वेस्टमेंट ऐसे शेयर्स में कर रहे हो 62 का या फिर राइट्स इशू का, तो 62 का मैं क्विकली आपको बता देता हूँ, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 62 टॉक्स अबाउट फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल एंड उसके अंदर स्पेसिफिकली सबसेक्शन 1 क्लॉज ए टॉक्स अबाउट व्हेन शेयर्स आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आप हो और फिर आपको कोई और शेयर्स यू आर अक्वायरिंग, तो उस केस में आपको ये पूरा सेक्शन 186 लगाने की जरूरत नहीं है, या फिर आपका कोई राइट्स, आपको राइट्स इशू के अंडर इफ यू आर अक्वायरिंग एनी शेयर्स एंड राइट्स आर ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, तो उस केस में भी आपको 186 एक्सेप्ट सबसेक्शन 1 लगाने की जरूरत नहीं है। थर्ड, मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग एक्टिविटीज बाय NBFC, एक NBFC का तो काम ही होता है, पर ऐसी वैसी NBFC नहीं, प्रॉपर रजिस्टर्ड चाहिए, रजिस्टर्ड विद RBI जिसका प्रिंसिपल बिजनेस हो एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। NBFCs भी अलग अलग टाइप की होती है, तो अगर NBFC का काम एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज का है तो उस पर हम 186 एक्सेप्ट सबसेक्शन 1 नहीं लगाएंगे। आई होप आई एम क्लियर। इस वाले को एक बार दो बार अच्छे से रीड करके जाना, ये कोई बहुत अच्छे से आपको पूरा एक रटने की जरूरत नहीं है, बट मेन मेन आपके कीवर्ड्स आपको लर्न हो जानी चाहिए। सबसेक्शन 12 सिंपल सा है, कहता है कि CG में मेक रूल्स बना देंगे तो कंप्लाई करवा देंगे। पेनल्टी की बात होती है सबसेक्शन 13 में, कंपनी पे फाइन लगेगा 25,000 से 5 लाख, ऑफिसर पे 5 लाख से कम कर देंगे लेकिन उसकी जगह थोड़ा सा जेल डाल दिया। इम्प्रिजनमेंट कितनी लग सकती है, मैक्सिमम 2 साल की, 2 साल की, ठीक है, और ये एंड है, दोनों लगेगा, ठीक है, तो 7 साल लर्न करो, कंपनी के ऊपर 25,000 से 5 लाख, डायरेक्टर के ऊपर या कोई ऑफिसर ऑफ द कंपनी के ऊपर 25,000 से 1 लाख एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू मैक्सिमम 2 ईयर्स।
एक्सप्लेनेशन में इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब समझा रखा है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस का काम, मतलब उसका मेन काम ही होता है एक्वायरिंग वगैरह का, और प्रिंसिपल बिजनेस अगर आप बोलते नहीं हो, मतलब आप आर्टिकल्स में इसका रेफरेंस हमने फर्स्ट लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी में भी पढ़ा था, तो आप अगर प्रिंसिपल बिजनेस बोलते नहीं हो लेकिन आपकी इनकम या असेट्स फ्रॉम दीज पर्टिकुलर अक्वायरिंग ऑफ सिक्योरिटीज से आपका वो प्रिंसिपल इनकम और असेट्स आपकी 50% हो जाती है, दैट इज अक्वायरिंग ऑफ सिक्योरिटीज से जो आपकी उस सिक्योरिटी से इनकम आ रही है, दैट इज मिनिमम 50%, दैट इज मिनिमम 50% ऑफ योर टोटल इनकम, और दोज असेट्स विच यू हैव अक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूट मिनिमम 50% ऑफ टोटल असेट्स, तो उस केस में अब आप बेशक बोलो या ना बोलो आपका डीम कर लेंगे कि ये प्रिंसिपल बिजनेस हम मान लेंगे आपका यही है, ठीक है, तो ये डीमिंग प्रोविजन है, क्लियर है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का मतलब वो शेड्यूल 6 में है, ये इतना रिलेवेंट नहीं था उसमें था इसलिए मैंने डाल दिया। अब एक गवर्नमेंट कंपनी को एक एग्जेम्पशन दे रहे हैं, ये एक्ट, ये जो सेक्शन है आपके ऊपर नहीं लगाएंगे प्रोवाइडेड आप 137 एंड 92 कंप्लाई करके बैठे हो। डिफेंस प्रोडक्शन में अगर आप एंगेज हो तो आपके ऊपर 186 नहीं लगाएंगे, या फिर आप अदर देन लिस्टेड कंपनी हो कोई एंड आपके पास पर्टिकुलर आपके रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिला हुआ है उस पर्टिकुलर काम के लिए, लोन इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपके ऊपर सेक्शन 186 हम नहीं लगाएंगे। MCQ वगैरह में ये चीज़ टेस्ट हो सकती है, तो इसको एक बार आप देख लेना। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बस खत्म होने वाला है हमारा सेक्शन। देखो अब ये वाले जो पॉइंट्स है दिस विल हेल्प यू इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, गलतियां नहीं होंगी, एक बार अच्छे से देख लो। जस्ट अ मिनट, हाँ जी स्टार्ट करते हैं। हमने एक वर्ड पढ़ा था ऊपर लिमिट्स में, फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स का मतलब ध्यान से समझो, व्हाट डू मीन बाय फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स मींस विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। ये कई बच्चों को अभी भी CFNL लेवल पे इसमें डाउट आता है, तो ध्यान से समझ लेना यही। फ्री रिजर्व्स मींस विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। तो कोई अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व है, आपने ऐसे ही अपने असेट्स की वैल्यू चेंज कर रखी है, या फिर डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए रिजर्व बना रखा है, तो दीज रिजर्व्स कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, हेंस दीज आर नॉट फ्री रिजर्व्स। क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये फ्री रिजर्व्स में मत लेना। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, कई जनों को लगता है यार ये तो डिविडेंड के लिए हमने स्पेसिफिकली एलोकेट कर दिया। अरे भाई लेकिन फ्री रिजर्व का मतलब भी तो यही पढ़ा था ना कि डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दैट रीजन डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व को हम फ्री रिजर्व में काउंट कर लेंगे, हम उसको काउंट कर लेंगे, ध्यान रखना। समटाइम्स क्वेश्चन कैन स्टेट दैट देर इज सम शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या उसको शेयर कैपिटल में ले, क्या फ्री रिजर्व में ले, क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम में ले, कहीं पे भी लेना, आंसर इज नो, बिकॉज वो पैसा शायद आपको रिफंड भी करना पड़ जाए, आपने अभी तक शेयर थोड़ी ना अलॉट करे हैं, सो टिल द पॉइंट द शेयर्स आर नॉट अलॉटेड वो पेड शेयर कैपिटल में नहीं आएगा, राइट। तो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड टू बी इग्नोर्ड। इन्वेस्टमेंट इन अ पार्टनरशिप फर्म, ये एक ICAI के क्वेश्चन में से सारे पॉइंट्स उठा रखे हैं। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, ध्यान रखना। अगर अभी मिस हो रहा है ये पॉइंट तो एक बार दोबारा स्टार्ट में पढ़ो, वी स्टडीड दैट ये सारी चीजें टू अ पर्सन और अ बॉडी कॉर्पोरेट की बात हो रही थी, ठीक है। जो आप शेयर्स अक्वायर कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज कर रहे थे, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट की हो रही थी। क्या पार्टनरशिप फर्म इज अ बॉडी कॉर्पोरेट? आंसर इज नो, LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो उस केस में आपको इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, वो इसके एम्बिट में नहीं आएगी, 186 के स्कोप में नहीं आएगी, राइट। नाउ एक इसका लिंक आता है वेरी इंपॉर्टेंट, 179 टॉक्स अबाउट द पावर्स ऑफ बोर्ड। तो 179 सबसेक्शन 3 में बेसिकली वी टॉक अबाउट कुछ चीजें जो आपको बोर्ड को करनी है एट द बोर्ड मीटिंग, एंड वी टॉक अबाउट सम डेलीगेशन, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं क्लॉज DEF, 179 सेक्शन सबसेक्शन 3 क्लॉज DEF। डी बोलता है बोरो के बारे में, कि डी में बोरोइंग होती है, ई बोलता है इन्वेस्टमेंट के बारे में, और एफ बोलता है लोन गारंटीज एंड सिक्योरिटीज के बारे में, एंड उसके बाद लिखा गया है कि दीज थ्री पर्टिकुलर कैन बी डेलीगेटेड। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम उसको डेलीगेट कर सकते हैं क्या। अब होता क्या है, पहले यू नीड टू स्टेट 179 सबसेक्शन 3 और ये सारी चीज़ें आपकी डेलीगेट, पर्टिकुलर तीन क्लॉज DEF डेलीगेट हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट और लोन गारंटी सिक्योरिटी को 186 भी कवर कर रहा है, इन चारों चीज़ों को 186 भी कवर कर रहा है, एंड ड्यू टू 186 डेलीगेशन इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज जस्ट अबाउ वी स्टडीड दैट बोर्ड रेजोल्यूशन नीड्स टू बी पास्ड एट द बोर्ड मीटिंग। सो इफ द बोर्ड गिव्स दिस पर्टिकुलर पावर टू सम अदर पर्सन, लेट्स से कोई छोटी कमिटी को दे दिया, या MD को दे दिया, या होल्ड टाइम डायरेक्टर को डेलीगेट कर दिया,
तो उस केस में वो डिसीजन अपने आप से ले लेगा. द डिसीजन एंड द रिजोल्यूशन विल नॉट बी पास्ड एट द बोर्ड मीटिंग. तो उस केस में 186 नॉन कंप्लाई हो जाएगा. तो इन एग्रीगेट व्हाट आवर लॉ स्टेट्स 179 सबसेक्शन 3 डी ई एफ कैन बी डेलीगेटेड. ये 179 ने बोला. बट डी ई एफ में से ई और एफ की बात 186 भी करते हुए चल रहा है. तो 186 ने बोल रखा है हमें तो सारे जो बोर्ड रिजोल्यूशन है एट बोर्ड मीटिंग चाहिए एंड यूनानिमस चाहिए. तो एट बोर्ड मीटिंग की वजह से डेलीगेशन एट द एंड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेलीगेट कर दोगे तो 186 नॉन कंप्लाई हो जाएगा. डेलीगेट नहीं करते हो तो 186 भी कंप्लाइड, 179 में तो वैसे भी कंप्लाइड है, राइट. तो इस चीज का भी आपको ध्यान रख के चलना है कि ड्यू टू 186 फाइनल कंक्लूजन इज ये दोनों चीजें ई और एफ क्लॉज इन्वेस्टमेंट एंड लोन गारंटी सिक्योरिटी कैन नॉट बी डेलीगेट नहीं हो सकता. डेलीगेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 186 रिक्वायर्स द बोर्ड रिजोल्यूशन टू बी पास्ड एट द बोर्ड मीटिंग, राइट. आई होप आई एम क्लियर है तक. ये था हमारा पूरा सेक्शन 186. तो पेपर में ढंग से आपको कैसे इसका फॉर्मेट में बता देता हूँ. 186 में सबसे पहले ध्यान रखना बोर्ड रिजोल्यूशन तो चाहिए चाहिए. बोर्ड रिजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग इन द यूनानिमस मैनर, ये आपको चाहिए चाहिए. सिर्फ कैलकुलेशन वाली बात किसके लिए आएगी, सेक्शन 186 सबसेक्शन 2 के लिए आएगी कि भैया SR चाहिए या नहीं चाहिए. बाकी सारी चीज़ें बोर्ड रिजोल्यूशन वाली बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात, डिस्क्लोजर वाली बात, ये सारी नॉर्मल है, ये आपको पेपर में लिखनी ही लिखनी है. PFI अगर दे रखा हो तो उसका अप्रूवल, नो सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू डिपॉजिट्स, ये सारी चीज़ें तो आपको चाहिए ही चाहिए. इसके लिए हम अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है, राइट. सो आई होप ये आपको सेक्शन क्लियर हो रहे हैं. नाउ वी विल मूव टू सेक्शन नंबर 188. ओके, सो 186 हमारा खत्म हो चुका है. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट सेक्शन ऑफ अवर डिस्कशन टुडे, दैट इज सेक्शन नंबर 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बट वेरी वेरी लॉजिकल एंड ईजी. अगर एक बार अगर आप टाइम लगा के प्रॉपर सेक्शन को अंडरस्टैंड कर लेते हो, आफ्टर दैट आपको कभी भी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी. बट अगर आप पहली बार में उसको थोड़ा सा ढंग से नहीं, इफ़ यू डोंट गो इन द डीप एनालिसिस ऑफ द सेक्शन, तो इन दैट केस वो आगे हमेशा कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड द सेक्शन वेरी वेरी प्रॉपरली. सेक्शन नंबर 188 बेसिकली किस चीज़ की तरफ है. Whenever a company transacts anything, any transaction is conducted with a related party, तो chances हो सकते हैं कि there might be some underpricing या overpricing, basically for the benefit. Why? Because the other party may not be dealing on commercial basis because it is a related party, तो कुछ influence हो सकता है और something may happen. अब उस चीज़ को रोकने के लिए we have section number 188, but mind it that related party transactions are not at all prohibited. Related party transactions are not at all prohibited. They just require certain procedural compliances. So Companies Act 2013, 188 section does not prohibit related party transactions. It just specifies certain procedural compliances which the company has to go through if it wants to transact with the related party. Okay. नीचे आते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के रिस्पेक्ट में. 188 सबसेक्शन 1. इफ अ कंपनी वांट्स टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विथ, अरे इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर देते हैं सो दैट स्क्रीन में आ जाएगा पूरा. ओके, इफ अ कंपनी वांट्स टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विथ अ रिलेटेड पार्टी, विथ अ रिलेटेड पार्टी विथ रिस्पेक्ट टू सेल. अब देखो ट्रांजैक्शंस पढ़ने से पहले फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, रिलेटेड पार्टी. रिलेटेड पार्टी की आपको पता है 2 clause 76 के हिसाब से रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन यू शुड बी नोइंग. हम मिसलेनियस प्रोविजंस में भी ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बट इफ यू हैव नॉट डन एट द एंड मैं इसको भी कवर करवाऊंगा रिलेटेड पार्टी को. आगे पढ़ते पहले, इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू एंटर इंटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद अ रिलेटेड पार्टी विद रिस्पेक्ट टू, अब ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी बोल रखी है, सेल परचेज और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल, सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ और बाइंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, अवेलिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज, अपॉइंटमेंट ऑफ एनी एजेंट फॉर परचेज और सेल ऑफ गुड्स मटेरियल सर्विसेज और प्रॉपर्टी, सच रिलेटेड पार्टीज अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी और इट्स सब्सिडियरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी एंड अंडर राइटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव्स thereof ऑफ द कंपनी. सो प्लीज अंडरस्टैंड बेसिकली यहां तक अभी हमने क्या पढ़ा है कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस को 188 में कवरेज मिल रही है. सो व्हेन अ कंपनी ट्रांजेक्ट्स विद रिलेटेड पार्टी दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मे नॉट बी कवर्ड इन 188. सो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई वेदर द अदर पार्टी इज अ रिलेटेड पार्टी और नॉट.
देन यू नीड टू चेक वेदर द ट्रांजेक्शन इन क्वेश्चन इज कवर्ड अंडर 188 सबसेक्शन 1 और नॉट. तो इसके अंदर कौन कौन सी कवर्ड है, ए बी सी डी तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, कुछ मटेरियल है गुड्स के रिस्पेक्ट में, कुछ प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में अगर सेल परचेज हो रहा है तो, या कोई आप प्रॉपर्टी की लीजिंग कर रहे हो तो, या फिर कुछ भी सर्विसेज के रिस्पेक्ट में. तो हम मोटा मोटा कहते हैं कि सारी चीजें गुड्स मटेरियल सर्विसेज प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ये सारे काम, और ये सारे काम आप किसी एजेंट के थ्रू करवा रहे हो. तो ये है वही वाले काम ऊपर वाले, गुड्स मटेरियल सर्विसेज और एनी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, लेकिन आप एजेंट यूज कर रहे हो, आप एजेंट यूज कर रहे हो. लीजिंग वाला इसके अंदर कवर नहीं है, लीज तो आप ही करोगे ना, आपकी प्रॉपर्टी लीज होगी, एजेंट नहीं अपनी लीज करेगा. एंड एफ वाला जो है उसको जरा ध्यान से देखना है. एफ वाले की मैं एक बार लैंग्वेज फिर से रीड कर रहा हूँ. सच रिलेटेड पार्टीज अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी. सो प्लीज मार्क टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर क्लॉज एफ. फर्स्ट, एक तो मीनिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टीज अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट बेसिक समझ लो. आगे मैं रिटर्न में फिर से आपको बताऊंगा कि इफ किसी बंदे का, मतलब वो बंदा कौन है, ही इज अ रिलेटेड पार्टी, इफ ही इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, इफ ही इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर एंड इफ ही रिसीव्स एनीथिंग अबाउट द रेम्यूनरेशन टू विच ही इज एंटाइटल्ड एज डायरेक्टर. तो वो कुछ भी अगर मिलता है उसको अपार्ट फ्रॉम द रेम्यूनरेशन टू विच ही इज एंटाइटल्ड एज डायरेक्टर, तो इस चीज को, ये जो पूरा प्रोसेस हमने समझाया कि ऐसा ऐसा हुआ है, दिस सर्कमस्टांस इज नोन एज द रिलेटेड पार्टीज अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट. बेसिकली आप कंपनी में लग गया, कंपनी में जॉब मिल गई, कंपनी में लग गया तो कंपनी से उसको पैसे मिलेंगे. तो अगर मैं डायरेक्टर की पोजीशन में लग रहा हूँ और मुझे रेम्यूनरेशन जो मुझे डायरेक्टर के नाम पे एज ए डायरेक्टर मुझे मिल रहा है, अगर इसके सिवाय कुछ मिलता है देन ओनली आई एम कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, उस वरना मैं कवर्ड नहीं हूँ. ठीक है, ये मैंने बात बोली है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में. इफ आई एम बीइंग अपॉइंटेड एज एनीथिंग अदर देन डायरेक्टर, लेट्स से परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, सीओ, एनी पोस्ट अदर देन डायरेक्टर, तो मुझे कुछ भी जो मिलेगा ना दैट विल बी कवर्ड अंडर दिस ट्रांजैक्शन. आई होप आई एम क्लियर. मैं एक बार क्विकली इसको दोबारा बता रहा हूँ, बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है. लैंग्वेज क्या है, सच रिलेटेड पार्टी, मतलब पहले तो आपको रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना है सेक्शन 2 क्लॉज 76 के हिसाब से. सच रिलेटेड पार्टीज अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट. अब ये चीज अपॉइंटमेंट टू ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट का जनरल मीनिंग दिमाग में लाओ, जॉब लग गई कंपनी में उसको लगा दिया, लेकिन लेकिन फिर इसके आगे इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए आपको चेक करना है कि वेदर वो एज ए डायरेक्टर अपॉइंटेड है या अदर देन डायरेक्टर अपॉइंटेड है. इफ दैट पर्सन इज अपॉइंटेड ए डायरेक्टर एंड ही रिसीव्स एनी अमाउंट ओवर एंड अबाउ Over and above the remuneration he is entitled to as director, तो ही इस केस में आएगा. तो मतलब मैं इसको कह सकता हूँ कि अगर मैं डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो रहा हूँ और मुझे remuneration as a director के सिवाय कुछ भी नहीं मिल रहा, then it will not amount to appointment to any office or place of profit, right? And other case, अगर director को छोड़ के कोई post है तो आपको कुछ भी मिल जाए आप इसके अंदर cover हो जाओगे. उसके अंदर जो भी आपको पैसा मिले remuneration के नाम पे as that position कुछ भी मिले, you are covered in this particular clause. Second important point क्या है, मैंने कहा था दो important points है. Second है, ये जो appointment हो रही है, जो job लग रही है, हम कह रहे हैं ये कहाँ लग रही है, in the company in question और इट्स सब्सिडरी और इट्स एसोसिएट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर मार्क कर लेना, हम इसके अंदर जो है वो होल्डिंग को कवर नहीं कर रहे, हम इसके अंदर जो है वो होल्डिंग को कवर नहीं कर रहे. क्वेश्चंस में तीन चार पार्ट कुछ एमसीक्यू बना के दे देंगे, कन्फ्यूजन होएगी और गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. लास्ट, अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर राइटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव्स देयर ऑफ द कंपनी. तो अगर कुछ वो कंपनी के सिक्योरिटीज वगैरह अंडर राइटिंग कर रहा है, अंडर राइटिंग का प्रोसेस आपको पता है, नॉर्मल सी बात होती है अंडर राइटिंग, तो अगर वो अंडर राइटिंग कर रहा है हमारे सिक्योरिटीज की तो, और हमारा रिलेटेड पार्टी है, देन ऑल्सो द ट्रांजेक्शन इज कवर्ड. अब अगर कंपनी को ये ट्रांजेक्शन करनी है रिलेटेड पार्टी के साथ, मतलब फर्स्ट टू कंडीशंस क्या आपने पढ़ी है इस पूरे सेक्शन की, फर्स्ट द अदर पार्टी शुड बी रिलेटेड पार्टी एंड सेकंड ये कंडीशंस, ये वाले ट्रांजेक्शन कवर हो रही है, देन व्हाट द कंपनी हैज टू डू, कंसेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड, रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड एट द बोर्ड मीटिंग, दैट इज 175 नहीं लगेगा, सर्कुलेशन वाला पॉसिबल नहीं है, एंड इट शुड बी एज पर द प्रिस्क्राइब कंडीशंस, प्रिस्क्राइब कंडीशंस रूल 15 में जो हम अभी इसके बाद पढ़ेंगे. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कंसेंट ले लेना, ठीक है, और यूनानिमस रिजोल्यूशन नहीं चाहिए होता इसके लिए, यूनानिमस रिजोल्यूशन ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट इज रिक्वायर्ड ओनली 186 एंड 203 सबसेक्शन 3. तो कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड एंड एट द बोर्ड मीटिंग इज रिक्वायर्ड. ओके,
अब रूल 15 पे आ जाओ, प्रिस्क्राइब कंडीशंस क्या है। रूल 15 का सब रूल 1 कहता है कि आपके बोर्ड मीटिंग के एजेंडा के रिस्पेक्ट में, वैसे तो बोर्ड मीटिंग में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है कंपनीज एक्ट में, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उसकी वजह से इस पर्टिकुलर रूल ने कह दिया है कि वैसे तो कहीं नहीं और नहीं लिखा है, बट इफ यू आर द ट्रांजेक्शन इज विद रिस्पेक्ट टू 188 देन प्लीज गिव ऑल द डिस्क्लोजर्स इन द एजेंडा ऑफ द बोर्ड मीटिंग नोटिस। ये नोटिस में सब कुछ जाएगा, ये नोटिस में सब कुछ जाएगा कि आपका रिलेटेड पार्टी का नाम क्या है, नेचर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, मटेरियल आइटम्स, कितने पैसे देने वाले हो, ट्रांजैक्शन की वैल्यूएशन कैसे करी है, बेसिकली ऑल द डिस्क्लोजर्स फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट नेचर एंड एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ द प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट विच द कंपनी इज गोइंग टू एंटर विद द रिलेटेड पार्टी। ओके, नेक्स्ट सब रूल 2 क्या कह रहा है, इफ देयर इज एनी इंटरेस्टेड डायरेक्टर, इफ एनी डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद द रिलेटेड पार्टी देन सच डायरेक्टर शैल नॉट बी प्रेजेंट एट द मीटिंग ड्यूरिंग द डिस्कशंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। तो उस वाले मीटिंग में उस पर्टिकुलर बात के टाइम वो बंदा वहां पे नहीं रहेगा, कौन, इंटरेस्टेड डायरेक्टर। रूल 15 सब रूल 3 वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज लिंक विद फर्स्ट प्रोविजो टू 188। बेसिकली 188 का सबसेक्शन 1 का फर्स्ट प्रोविजो में भी यही बात लिखी गई है, उसके अंदर प्रिस्क्राइब करा गया कि देर आर सर्टन प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर ऑप्टेनिंग द रिजोल्यूशन एट अ जनरल मीटिंग। सो क्विकली, पहले हमने क्या पढ़ा था कि बोर्ड रिजोल्यूशन तो चाहिए चाहिए, अगर 188 के रिस्पेक्ट में रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, एंड ट्रांजैक्शन जो ऊपर वाली ए टू जी हमने पढ़ी है, इफ इट इज कवर्ड इन दैट देन यू नीड बोर्ड रिजोल्यूशन इन ऑल केसेस। नाउ वॉट अबाउट मेंबर्स रिजोल्यूशन, तो उन्होंने क्या बोल दिया, सब रूल 3 ने लिंक्ड विद फर्स्ट प्रोविजो वो साथ में रीड किया जाता है, इट हैज क्लियरली सेड दैट वी आर प्रिस्क्राइबिंग सर्टन लिमिट्स, we are prescribing certain limits, if the transaction value is exceeding these limits then kindly take an approval from the members also by way of an ordinary resolution। SR की जरूरत नहीं है, OR चाहिए अगर limits cross हो जाए तो। limits की amendment आई थी recently और काम आसान हो चुका है लर्न करना, पहले 50 करोड़, 100 करोड़, 10% दो दो साथ में लगती थी, अब काम बहुत आसान हो चुका है, उसको लर्न करते हैं। तो prescribed conditions for obtaining OR, ठीक है, resolution आपको OR चाहिए, OR से काम चल जाएगा। नीचे आ जाओ, अब क्लॉज नंबर ए टू ई, ये क्लॉज नंबर ए टू ई क्या है, वो जो ऊपर हमने ट्रांजैक्शंस पढ़ी थी, ठीक है, ए टू ई के रिस्पेक्ट में बात करते हैं सबसे पहले, फिर नीचे बचे हुए क्लॉज की बात कर लेंगे। इफ आवर ट्रांजैक्शन इज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स और मटेरियल, चाहे वो डायरेक्टली हो या थ्रू एजेंट हो, याद रखना एजेंट वाला जो है आपका, एजेंट वाला है वो तो कॉमन ही है सबके साथ, मतलब लाइक इन क्लॉज नंबर ए वी टॉक्ड अबाउट गुड्स, तो वो गुड्स डायरेक्टली, और ई वाला थ्रू एजेंट, तो वो मिक्स्ड है, तो इधर डायरेक्टली और थ्रू एजेंट, अगर ट्रांजैक्शन एक्सीड्स और मोर देन, मतलब मोर देन इक्वल टू, एक्सीड्स वर्ड गलत है, मोर देन और इक्वल टू 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, अगर ऐसा क्रॉस हो रही है लिमिट तो काइंडली टेक अप्रूवल बाय ओआर। अगर प्रॉपर्टी की बात होती है, प्रॉपर्टी मतलब जो हमने ऊपर बी में पढ़ा, और इधर डायरेक्टली और थ्रू एजेंट डिस्पोज ऑफ वगैरह कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उस केस में मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। इसका मैं एक लॉजिक बताऊंगा आपको लर्न करने का। अगर लीजिंग की बात हो रही है, उसमें हमने पढ़ा था लीजिंग ई वाले में, एजेंट वाले में लीजिंग वाली बात नहीं थी, सिर्फ लीजिंग नॉर्मल हो रही है, तो वो मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। एंड लास्टली, आप कोई सर्विसेज की बातें कर रहे हो डायरेक्टली और थ्रू एन एजेंट, दैट इज डी एंड ई, ये ए बी सी डी ऊपर क्लॉजेस है जो हमने ट्रांजैक्शंस के पढ़े थे, देन इन दैट केस मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। तो इसके अंदर तो बहुत इजी हो चुका है लर्न करना, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी सुन के लगता है ना, प्रॉपर्टी की तो वैल्यू भी बड़ी होगी, तो प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने नेटवर्थ कर दिया, प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने नेटवर्थ कर दिया, बाकी सब जगह इन्होंने नॉर्मल टर्नओवर रखा है, एंड लिमिट सबके अंदर 10% है, मोर देन और इक्वल टू। तो 10% अगर इक्वल हुआ, एग्जैक्ट 10% हुआ, देन ऑल्सो ओआर इज रिक्वायर्ड। ओके, आगे चलते हैं। अब नोट, अमाउंट टू बी सीन ऑफ द ट्रांजेक्शन इंडिविजुअली और टेकन टुगेदर विद द प्रीवियस ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ऑब्वियस है कि एक ट्रांजेक्शन को नहीं देखना, टोटल देखना है फाइनेंशियल ईयर के रिस्पेक्ट में। नाउ अभी हमारे कुछ ट्रांजेक्शन रह गई है, दैट इज योर अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस इन प्रॉफिट इन द कंपनी, इट सब्सिडरी और एसोसिएट, दैट इज योर क्लॉज नंबर एफ, दैट इज योर क्लॉज नंबर एफ। तो देखो, अगर आपकी वो जो मैंने आपको मीनिंग समझाया है वो मैं आपको नीचे दिखा दूंगा, डायरेक्टर और उसका ये रहा, मैं आपको मीनिंग ही पहले बता देता हूँ, ये एक्सप्लेनेशन में पहले कवर करवा रहा हूँ, काइंडली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, जो ऑलरेडी ऊपर हमने समझ लिया है। वैसे तो इफ दिस पर्टिकुलर ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इज हेल्ड बाय अ डायरेक्टर, अगर कोई डायरेक्टर ने इस चीज़ को इस ऑफिस में या इस जॉब में आया है, एंड इफ ही रिसीव्स एनीथिंग ओवर एंड अबाउट द रेम्यूनरेशन टू विच
ही इज एंटाइटल्ड एज डायरेक्टर. अगर उसको रेम्यूनरेशन एज अ डायरेक्टर के ऊपर एक रुपया भी मिल रहा है तो इसका ये वाला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ही विल फॉल इनटू दिस ट्रांजैक्शन. अदरवाइज अगर उसको कुछ भी नहीं मिल रहा तो वो इस ट्रांजैक्शन में आएगा ही नहीं, 188 में कवर होएगा ही नहीं, राइट. अगर दिस पोजीशन इज हेल्ड अदर देन अ डायरेक्टर, या फिर कोई फर्म, प्राइवेट कंपनी या एनी अदर बॉडी, कॉर्पोरेट ने पोजीशन हेल्ड कर रखी है. डायरेक्टर तो इंडिविजुअली हो सकता है, डायरेक्टर चैप्टर में हम ये सारी चीज पढ़ चुके हैं. सो इफ द पोजीशन इज हेल्ड बाय अदर देन अ डायरेक्टर और बाय अ फर्म और बाय प्राइवेट कंपनी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, देन वॉट एवर यू रिसीव, कुछ भी रिसीव कर लो, आप इस वाले ट्रांजेक्शन में कवर हो चुके हो. अब आपके डाउट आना चाहिए कि सर मीनिंग तो समझ आ चुका है, मीनिंग तो समझ आ चुका है कि इस ट्रांजेक्शन में पड़ेगा कब, लेकिन वॉट अबाउट द लिमिट. लाइक हमने ऊपर वाले में पढ़ी 10% ऑफ टर्नओवर, इस वाले में लिमिट कितनी है. अगर डायरेक्टर को वो मिल रहा है पैसा ऊपर का अबाउ द रेम्यूनरेशन का, वो कितना मिलना चाहिए, या फिर अदर देन डायरेक्टर को कितना रेम्यूनरेशन मिल रहा है, अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो मुझे ओआर चाहिए. सर द लिमिट इज 250,000 पर मंथ, लर्न कर लो. लिमिट इज मंथली रेम्यूनरेशन अगर 250,000 से ऊपर जा रहा है, ध्यान रखना ऊपर जा रहा है, इक्वल नहीं है, तो ही आपको ओआर की जरूरत है, वरना बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा. और अगर अंडरराइटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज का फर्क पड़ जाता है, 10 की जगह यहाँ पे 1 हो जाता है, 10 की जगह यहाँ पे 1 हो जाता है, एंड टर्नओवर और उसकी जगह यहाँ पे नेट वर्थ हो जाता है. ठीक है, टर्नओवर और उसकी जगह यहाँ पे नेट वर्थ हो जाता है, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी. ये जस्ट लाइक प्रॉपर्टी और ये 1% है. क्लियर है? तो आई होप अंडरराइटिंग वाला भी आपको क्लियर है. ये सारा अभी रिसेंटली अमेंड भी हुआ है एंड इट्स नाउ वेरी इजी टू लर्न. अर्लियर स्टूडेंट्स यूज्ड टू लीव दिस पर्टिकुलर लर्निंग. अब इसकी कुछ एक्सप्लेनेशंस पे आते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय टर्नओवर और नेटवर्क, ये आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखना है, वेरी लॉजिकल, हर जगह ये पढ़ते हैं. नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ होल्ली ओन सब्सिडियरी द रिजोल्यूशन इज पास बाय द होल्डिंग कंपनी. देखो अब होल्डिंग और सब्सिडियरी दोनों इन्वॉल्व है, होल्ली ओन सब्सिडियरी एंड द होल्डिंग कंपनी. तो उस केस में वो कह रहे हैं आप दोनों को रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है. अगर होल्डिंग कंपनी ने रिजोल्यूशन पास कर दिया, सो देर इज नो नीड फॉर द होल्ली ओन सब्सिडियरी टू पास एनी अदर रिजोल्यूशन. तो चेक कर लो, अगर इन केस ऑफ एन होल्ली ओन सब्सिडियरी द रिजोल्यूशन इज पास बाय द होल्डिंग कंपनी, then it shall be a sufficient for compliance for the transaction between the holding and its wholly owned subsidiary. ठीक है, तो होल्डिंग ने काम कर दिया, पूरा का पूरा होल्डिंग का ही पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व है, 100% सब्सिडियरी है, तो होल्डिंग के रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा. All the necessary details should be mentioned in the explanatory statement annexed to the notice of general meeting. Because आप members को बुला रहे हो, OR की तरफ जा रहे हो, तो उनको भी तो सारी disclosures देना जरूरी है. So all the disclosures shall be made in the notice through which you are calling the general meeting for the purpose of passing the ordinary resolution. Because the limits are cross हो रहे हैं, limits are being breached. ठीक है, breach थोड़ा negative word है, limits cross हो रहे हैं. Okay, next. सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 188 सबसेक्शन 1, वो क्या कहता है, इफ अ मेंबर इज अ रिलेटेड पार्टी ही शैल नॉट वोट विथ रिस्पेक्ट टू दैट कॉन्ट्रैक्ट. ये दैट कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखा है, एक एमसीए की क्लैरिफिकेशन आई थी, इंडस्ट्री में कुछ डाउट्स आ गए थे कि ये जो बोला है कि वोट नहीं करेगा तो क्या सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में या बाकी भी, वो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में वो वोट नहीं करेगा, बाकी तो उसकी नॉर्मल वोटिंग रहेगी. इट वॉज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन. बट दिस प्रोविजो शैल नॉट अप्लाई ऑन अ प्राइवेट कंपनी प्रोवाइडेड दैट प्राइवेट कंपनी हैज कंप्लाइड विद सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न 137 स्टेटमेंट्स विद द रजिस्ट्रार. तो अगर प्राइवेट कंपनी ने कंप्लाई कर रखा है तो प्राइवेट कंपनी का इंटरेस्टेड मेंबर मतलब जो रिलेटेड पार्टी मेंबर है वो वोट कर सकता है, कोई इशू नहीं आएगा. कमिंग टू योर नेक्स्ट थर्ड प्रोविजो टू 188 सबसेक्शन 1, ये जो हमने बोला ऊपर वाला प्रोविजो दैट इज रिलेटेड पार्टी, जो अगर कोई मेंबर इज रिलेटेड पार्टी ही शैल नॉट बी अलाउड टू वोट विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रोविजो हम नहीं लगाएंगे एक स्पेशल केस में. कौन से, सेकेंड प्रोविजो शैल नॉट अप्लाई टू अ कंपनी इन विच मोर देन इक्वल टू 90% मेंबर्स इन नंबर. वैल्यू की बात नहीं करनी है, बंदे गिनने हैं, उस बंदे के पास कितने शेयर्स हैं उसके बारे में नहीं बात कर रहे, 90% इन नंबर बात कर रहे हैं.
आर द रिलेटिव्स ऑफ प्रोमोटर और आर देमसेल्व्स रिलेटेड पार्टीज. तो एक अनोखा सा केस बन चुका है, एक अनोखा सा केस बन चुका है कि मोर देन इक्वल टू 90% हमारे इन्वॉल्व्ड है, रिलेटेड पार्टी है या फिर प्रोमोटर के रिलेटिव्स है. तो फिर उस केस में ना हम ये रोकेंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं इसके अंदर, तो उन सबको वोट करने दो, हम ये प्रोविजो नहीं लगाएंगे. क्या प्राइवेट कंपनी के रिस्पेक्ट में ये बात होगी? आंसर इज नो, बिकॉज ऊपर सबसेक्शन 2 ऑलरेडी हट चुका है प्राइवेट कंपनी के लिए, राइट. तो ये बैलेंस कंपनीज के लिए, ठीक है. तो ये अच्छे से लिमिट इसकी लर्न कर लेना और आगे चलते हैं. फोर्थ प्रोविजो टू 188 सबसेक्शन 1. नोट, 188 सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन ट्रांजैक्शंस एंटर्ड बाय अ कंपनी इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइडेड दे आर ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस. अब देखो, अगर एक कंपनी सारा के सारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म्स लेंथ बेसिस पे सब कुछ अच्छे से काम करके कमर्शियल टर्म्स में डील करती है, तो उस केस में 188 का सब सेक्शन 1 जो है वो हम आपको नहीं लगाएंगे. जो ऊपर हम प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स कह रहे हैं वो हम आपको नहीं लगाएंगे. बट इफ नॉट ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस, देन 188 वन अप्लाई करेगा. प्रॉपर आपको जो अप्रूवल्स है बोर्ड का रिस्पेक्ट में और वो सारी चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ेगी. ओके, नेक्स्ट, इफ अ ट्रांजेक्शन इज बिटवीन अ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होल्ली ओन सब्सिडियरी. और होल्ली ओन सब्सिडियरी भी कौन सी? जिसके जो अकाउंट्स है अकाउंट्स आर बींग कॉन्सोलिडेटेड एंड प्लेस बिफोर जनरल मीटिंग फॉर शेयर होल्डर अप्रूवल. तो अगर होल्ली ओन सब्सिडियरी के अकाउंट्स पूरे के पूरे कॉन्सोलिडेट हो रहे हैं, वो तो होंगे ही, एंड ऑब्वियसली वो प्लेस भी होंगे शेयर होल्डर अप्रूवल के लिए. इन दैट पर्टिकुलर केस जो है आपको ओआर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ओआर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है. तो चाहे लिमिट्स क्रॉस हो, कुछ भी हो, डोंट टेक ओवर, बोर्ड रेजोल्यूशन वगैरह लेके काम चल जाएगा. ये कहा लिखा है? फिफ्थ प्रोविजन में. ओके ओके, आगे चलते हैं. अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं. कुछ एक्सप्लेनेशन है, व्हाट डू मीन बाय, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ये मैं आपको एक आगे क्वेश्चन भी कराऊंगा, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, अगर आपको अभी क्लैरिटी नहीं मिली है तो. इसमें जो रेम्यूनरेशन है, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, सैलरी, फी, कमीशन. रेम्यूनरेशन मतलब उसको क्या मिल रहा है. ओके, मीनिंग ऑफ आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन. देखो अब, अच्छा हाँ, ये जस्ट ना मैंने लिख दिया था, बिकॉज ये बेयर एक्ट में और हर जगह लिखा हुआ है, जो ये आपको अलग से समझाने की जरूरत नहीं है. आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन बेसिस मीन्स एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन बेसिस पे, एज इफ वी आर नॉट रिलेटेड, ठीक है. तो ये एज सच आपको कुछ अलग से कवर करना नहीं है. अब आ जाओ 188 सबसेक्शन 2. ये प्रोसीजरल है. प्रोसीजर क्या कहता है? एवरी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू 188 सबसेक्शन 1, रेफर टू इट इन द बोर्ड रिपोर्ट, रेफर टू इट इन द बोर्ड रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स अलॉन्ग विद द जस्टिफिकेशन. क्योंकि हमने क्या बोला, ओआर सबके अंदर तो रिक्वायर्ड नहीं है, ओआर इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन द लिमिट्स आर क्रॉस्ड. सो क्या शेयर होल्डर्स को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर साल में उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो हुई है विद रिलेटेड पार्टीज वो क्या क्या हुई है, एंड वॉट वॉज द जस्टिफिकेशन फॉर एंटरिंग विद द रिलेटेड पार्टीज. कि आप ये ट्रांजेक्शन अलग से क्यों नहीं कर सकते, रिलेटेड पार्टी के साथ क्यों करी, तो उसका जस्टिफिकेशन देना होता है. बोर्ड रिपोर्ट में जाएगा, बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन 134, ठीक है, 134 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. नीचे आ जाओ, सबसेक्शन 3, नॉन कंप्लायंस के कॉन्सिक्वेंसेस. इफ कंसेंट ऑफ बोर्ड और मेंबर्स नॉट टेकन, देन रेटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड विद इन 3 months. रेटिफिकेशन भी कौन करेगा? लॉजिकली सोचो, रेटिफिकेशन कौन करेगा? वही करेगा जिनकी अप्रूवल नहीं ली थी. इफ बोर्ड की अप्रूवल चाहिए थी, बोर्ड की अप्रूवल तो हर जगह ही चाहिए, तो बोर्ड की अप्रूवल मैंने अगर ले ली है और मेंबर्स की चाहिए थी बिकॉज द लिमिट्स क्रॉस हो रहे थे, बट मेंबर्स की अप्रूवल नहीं ली, तो मेंबर्स नीड टू रेटिफाई विद इन 3 months, राइट. और बोर्ड की चाहिए थी, बोर्ड की नहीं ली, तो बोर्ड हैज टू रेटिफाई विद इन 3 months. एंड अगर आपने रेटिफाई नहीं करवाया, तो इन दैट केस जिनकी अप्रूवल चाहिए थी एंड नहीं ली, दोज हुज अप्रूवल वॉज रिक्वायर्ड बट वॉज नॉट टेकन, उनके ऑप्शन पे दिस कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वॉइडेबल. सो इफ नॉट, इट शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड और मेंबर्स एज द केस में भी. एज द केस में भी मतलब जिनकी अप्रूवल चाहिए थी और नहीं ली. And concerned director should also indemnify the company against any loss incurred by. तो आपकी वजह से कुछ अगर loss हो जाता है, आपने 188 का compliance नहीं किया, and due to that company faces any loss, then in that case also the concerned director shall indemnify. मतलब they shall make good for the loss. वो loss का amount they will pay to the company. Okay? सबसेक्शन 4 क्या कहता है? विदाउट प्रेजुडाइस टू सबसेक्शन 3. बेसिक प्रेजुडाइस का मतलब क्या होता है? कि हम सबसेक्शन 3 को कोई अल्टर नहीं कर रहे, वो जाए उसकी कोई हम ताकत वापस नहीं ले रहे, मतलब इंडेमनिफिकेशन की जो पावर है वो वापस नहीं ले रहे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनी कैन ऑल्सो प्रोसीड अगेंस्ट द कंसर्न डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय टू रिकवर एनी लॉस इफ दोज पर्टिकुलर पर्सन एक्टेड इन 188 कॉन्ट्रावेंशन. तो कंपनी अलग से भी प्रोसीड कर सकती है, और ये चीज़ सबसेक्शन 3 में भी लिखी गई थी इंडेमनिफिकेशन के बारे में.
पेनल प्रोविजंस लर्न कर लेना बहुत इजी है. कंपनी अगर लिस्टेड है या नहीं है, अगर लिस्टेड है तो जेल टर्म इन्वॉल्व हो जाती है, अगर लिस्टेड नहीं है तो इम्प्रिजनमेंट की बात नहीं होती. इफ द कंपनी इज लिस्टेड, इम्प्रिजनमेंट अप टू वन ईयर, फाइन 25,000 टू 5 लाख और बोथ, ठीक है, उस बंदे पे. एंड इफ एनी अदर कंपनी देन फाइन है सिर्फ 25,000 टू 1 लाख. तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ठीक है. जेल वाली बात सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड के लिए ही आती है. नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चंस वगैरह के रिस्पेक्ट में आपको पता होने चाहिए. तो सबसे पहले वी स्टार्टेड द सबसेक्शन दैट इफ कंपनी एंटर्स इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस जो ए टू जी पढ़े विद अ रिलेटेड पार्टी. सो यू शुड बी वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर विद व्हाट डू यू मीन बाय अ रिलेटेड पार्टी. तो उसको मैंने बहुत एक प्रेजेंटेशन अलग दे रखी है, बिकॉज इसके अंदर भी कभी कभी डाउट्स आते हैं लर्न करने में. तो आई डोंट थिंक इसके बाद आपको कोई डाउट रहेगा. तो रिलेटेड पार्टी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 76. तो फर्स्ट एक डायरेक्टर कंपनी का और उसका रिलेटिव इज अ रिलेटेड पार्टी. अब दोबारा डाउट आएगा, सर रिलेटिव मतलब क्या? वो 2 क्लॉज 77 में लिखा गया, उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है. काइंडली अंडरस्टैंड, रिलेटिव मतलब मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हस्बैंड एंड वाइफ एंड प्रिस्क्राइब. प्रिस्क्राइब में कौन है? फादर, मदर, सन, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, ब्रदर एंड सिस्टर. तो ये लर्न करना इजी क्यों है? सोचो, फादर मदर पेरेंट्स आ गए, ब्रदर सिस्टर भाई बहन आ गए, सन डॉटर बच्चे आ गए, ठीक है. सन की शादी हो गई, सन्स वाइफ, डॉटर की शादी हो गई, डॉटर्स हस्बैंड. अब स्टेप वाली जो है, ये जो स्टेप फादर स्टेप मदर, ये डॉटर को छोड़ के आपको हर जगह मिलेगा. स्टेप फादर स्टेप मदर स्टेप सन, ब्रदर एंड सिस्टर में इंक्लूडिंग स्टेप. तो स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सन, स्टेप डॉटर इंक्लूडेड नहीं है बस. और सन्स वाइफ एंड डॉटर्स हस्बैंड में स्टेप की कोई बात आती नहीं है. ओके, सो आई होप ये आपको लर्न करना ईजी रहेगा. इसको अच्छे से लर्न करना है रिलेटिव का मतलब, बिकॉज एमसीक्यू में अगर कोई इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो में जाना चाहे तो बहुत मजेदार एमसीक्यू इसके अंदर बन सकता है. मैं अपने उसके अंदर कम्युनिटी टाइम में जो मैं एमसीक्यूज अपलोड कर रहा हूँ डेली, तो उसके अंदर भी ये चीज़ अभी आने वाली है. तो उसको अच्छे से ऑनेस्टली आंसर करना, बहुत मजा आएगा लर्न करने में एंड समझने में कि हम कहाँ गलत थे. ओके, नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट क्या पढ़ा? डायरेक्टर या फिर रिलेटिव. सेकेंड, डायरेक्टर नहीं, केएमपी या फिर रिलेटिव. तो ये भी बहुत आसान है, रिलेटिव की डेफिनेशन आपको पता चल चुकी है. थर्ड, ऐसी कोई फर्म इन विच अ डायरेक्टर, मैनेजर और रिलेटिव. मैनेजर की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 2 मैनेजर और रेम्यूनरेशन के चैप्टर में. तो इन विच अ डायरेक्टर, मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ पार्टनर. तो फर्म के अंदर अगर ये तीन जने पार्टनर है, तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है इन विच अ डायरेक्टर, मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ मेंबर और अ डायरेक्टर. मेंबर के लिए कितने शेयर? सर 100 करोड़ में से एक शेयर चलेगा, चल जाएगा. मेंबर इज अ मेंबर, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग इज नॉट डिफाइंड. सो इज अ मेंबर और अ डायरेक्टर. पब्लिक कंपनी के केस में इफ द डायरेक्टर और मैनेजर, ये मार्क करना पॉइंट्स, ऊपर वाली कॉपी हो रही है, डायरेक्टर और मैनेजर इज अ डायरेक्टर एंड होल्ड्स अलोंग, उसका रिलेटिव डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, एंड होल्ड्स अलोंग विद हिज रिलेटिव. तो उसके रिलेटिव के साथ उसकी अगर शेयर होल्डिंग मोर देन 2% पेड अप शेयर कैपिटल है तो आपको लेनी है, बिकॉज पब्लिक कंपनी थोड़ी सी एक बड़े लेवल पे हो जाती है. तो पब्लिक कंपनी के लिए एक परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग वॉज नेसेसरी टू बी डिफाइंड, एंड हेंस इट हैज बीन डिफाइंड एज 2%. बट फॉर प्राइवेट कंपनी देर इज नो परसेंटेज डिफाइंड. सो इवन इफ यू होल्ड 1 शेयर इन अ प्राइवेट कंपनी, यू विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ रिलेटेड पार्टी. दैट फर्म विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ रिलेटेड पार्टी. नाउ एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज बीओडी, एमडी और मैनेजर एक्ट्स एज पर द डायरेक्शंस और एडवाइस ऑफ अ डायरेक्टर और मैनेजर. अच्छा, किसी कंपनी, किसी बॉडी कॉर्पोरेट में सब आ गए, एलएलपी भी आ गई, किसी ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट को आप कंट्रोल कर रहे हो, तो वो आपकी रिलेटेड पार्टी है. अदर वे राउंड, वाइस वर्सा, आप किसी से कंट्रोल हो रहे हो, एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस और डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस अ डायरेक्टर और मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट, तो आप वो भी तो आपकी रिलेटेड पार्टी है. रिलेटेड मतलब वो रिलेशन बन गया, या तो आप उसके हिसाब से चलते हो या तो वो आपके हिसाब से चलता है. सिंपल, बट दिमाग में लाओ एक चीज, वॉट इफ एक प्रोफेशनल एडवाइस दी जाती है, लेट से सम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में, कुछ जीएसटी के रिस्पेक्ट में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई एडवाइस दे दी, या कोई एक्चुअल एडवाइस मिल गई, कुछ इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में एडवाइस मिल गई, ऑल दीज एक्सपर्ट मैटर्स के रिस्पेक्ट में एडवाइस मिल गई, देन इन दैट केस ऑल्सो शुड ही और शी और दैट पर्टिकुलर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ रिलेटेड पार्टी. सर आंसर इज नो, ये बात तो ठीक नहीं लग रही. सो इसके अंदर एक क्लॉज क्या डाल दिया, प्रोवाइडेड दीज आर नॉट इन एनी प्रोफेशनल कैपेसिटी. ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं है. अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में है तो ये आपके रिलेटेड पार्टी नहीं बनेंगे. और प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं है, आप उसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर आपके ऊपर कोई कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है, आप रिलेटेड पार्टी हो. ओके, नेक्स्ट, बॉडी कॉर्पोरेट. इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है जस्ट टू मेक इट इजी. लेट्स से देयर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एक्स लिमिटेड. अब इसकी एचएसए मतलब, ध्यान रखना मैं आगे भी बहुत बार यूज कर सकता हूँ कभी भी,
एच ऐसे मतलब होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, तो एक्स लिमिटेड की होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट जो है वो रिलेटेड पार्टी है, जाहिर सी बात है. नाउ सेकेंड केस, इफ देर इज अ जेड लिमिटेड विच इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है, एंड आवर कंपनी इन द क्वेश्चन, हमारी जो कंपनी है उसके बारे में बोल रहे हैं कि आवर कंपनी, दोबारा बता रहा हूँ, जेड फ्लो गलत हो गया था, जेड लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ टू कंपनीज, वन द एक्स लिमिटेड एंड अदर आवर कंपनी इन क्वेश्चन, ठीक है. तो अब हमारी कंपनी एंड एक्स लिमिटेड आर ऑल्सो रिलेटेड पार्टीज बिकॉज वी आर बींग ओन्ड बाय कॉमन कंपनी, दैट इज योर जेड लिमिटेड, ओके. तो इसको हम प्यार से क्या बोल सकते हैं, कॉमन होल्डिंग कंपनी, हमारी जो होल्डिंग कंपनी है कॉमन है, तो हम आपस में रिलेटेड हो गए बिकॉज वी आर द कंट्रोल ऑन अस इज बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय वन एंड द सेम कंपनी. नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग कंपनी और अ वेंचरर ऑफ द कंपनी, इसका मतलब क्या होता है, इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन डाली गई थी. इन्वेस्टिंग और वेंचरर कंपनी का मतलब होता है व्हेन दे इन्वेस्ट इन अस वी विल बी एन एसोसिएट कंपनी ऑफ देयर्स, ठीक है. सो आवर कंपनी विल बिकम एन एसोसिएट ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट, ओके. तो ये तीन चीजें हैं. एंड नॉट एप्लीकेबल ऑन अ प्राइवेट कंपनी प्रोवाइडेड 92 and 137 कंप्लाइड. तो छोटी कंपनीज पे ये जो एक्सटेंडेड हमने लगाया बॉडी कॉर्पोरेट वाला, ये हम आप पे नहीं लगाएंगे, ये हम आपके ऊपर नहीं लगाएंगे प्रोवाइडेड आपने 92 and 137 को कंप्लाई कर रखा हो, ठीक है. ओके, एनी अदर प्रिस्क्राइब पर्सन, प्रिस्क्राइब कर रखा है. इफ अ डायरेक्टर, डायरेक्टर अदर देन इंडिपेंडेंट और KMP of the holding company. तो मेरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी, आई एम एक्स लिमिटेड, माई होल्डिंग इज वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड का डायरेक्टर जो कि इंडिपेंडेंट ना हो, या फिर वाई लिमिटेड का KMP, ये हमारे रिलेटेड पार्टी है, या फिर इन दोनों के रिलेटेड, ठीक है, ये हमारे रिलेटेड पार्टी है. हम मतलब मेरी जो कंपनी एक्स लिमिटेड थी मेरे केस में, ओके. तो ये हमारा था 276 रिलेटेड पार्टी. अब आगे चलते हैं. There are certain exemptions for a government company. बच्चे ये छोड़ के जाते हैं, आपने शायद छोड़ रखा होगा, इस बार ज़रूर करके जाना. Reason, there was an amendment with respect to it, थोड़ा सा change आया था, तो इस बार ज़रूर करके जाना. First and second proviso of 188 subsection 1, क्या थे ये first and second proviso? Normal सा, second proviso में तो vote की बात लिखी गई थी, और first proviso में prescribed conditions, जिसकी वजह से हमने बोला कि आपको ORB पास करना पड़ सकता है, एंड बोर्ड रिजोल्यूशन के रिस्पेक्ट में आपको disclosures भी देने हैं. Second proviso में था कि आप वो इंटरेस्टेड वाला बंदा वो वहाँ पे वोट नहीं कर सकता, वो पार्ट उस पर्टिकुलर पार्ट में discussions में ही cannot take part. ये दोनों चीज़ें first and second proviso of subsection 1 of section 188 shall not apply to. Shall not apply to, ये मैंने जस्ट लिखा है रेफरेंस के लिए. फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो क्या थे, प्रिस्क्राइब कंडीशंस एंड मेंबर शैल नॉट वोट. अब शैल नॉट अप्लाई टू अ गवर्नमेंट कंपनी, ये ध्यान से देखना है, ये अमेंडमेंट आई थी. शैल नॉट अप्लाई टू अ गवर्नमेंट कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स, विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स विथ एनी गवर्नमेंट कंपनी और CG और SG और एनी कॉम्बिनेशन. ये वाला पार्ट आपका अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, ये वाला पार्ट आपका भी रिसेंटली ऐड हुआ है. सो बेसिकली द स्कोप हैज बीन इंक्रीज टू इंक्लूड मोर ट्रांजैक्शंस एंड मेक जो है वो गवर्नमेंट कंपनी को फ्री करना है हमें फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो से, राइट. अब देखो, अ गवर्नमेंट कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं. एक गवर्नमेंट कंपनी ने दूसरे गवर्नमेंट कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, तो इनको फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है. या फिर एक गवर्नमेंट कंपनी ने CG सेंट्रल गवर्नमेंट और SG स्टेट गवर्नमेंट के साथ, या फिर कोई कॉम्बिनेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई एक अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है, तो अपार्ट फ्रॉम ए मतलब ये तो आपको छूट दे ही रहे, क्योंकि ये ध्यान रखना, ये तो हमने बोल दिया है गवर्नमेंट कंपनी, इसमें हमने कोई लिस्टेड नहीं बोला है. तो अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी अगर ऊपर वाले में फॉल कर रही है, तो भी आपके लिए हम ही अलग प्रोविजो फर्स्ट एंड सेकेंड हम आप पे नहीं लगा रहे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास ऊपर वाली कंडीशन मीट नहीं हो रही है, लेकिन यू हैव द अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, देन ऑल्सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप जो है फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोविजो से बाहर हो जाओ, ठीक है. तो इसकी अंडरस्टैंडिंग ढंग से ले लेना, पेपर के लिए इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करना आई बिलीव, क्योंकि अमेंडमेंट आई थी तो ये चीज़ टेस्ट हो सकती है. MCA क्लैरिफिकेशन, एक MCA क्लैरिफिकेशन आया था, ट्रांजैक्शन अराइजिंग आउट ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और amalgamations विच आर डेल्ट अंडर स्पेसिफिक provisions ऑफ कंपनीज एक्ट, उस पर 188 जो है वो सेक्शन नहीं लगेगा. तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड amalgamations के रिस्पेक्ट में भी अगर आप रिलेटेड पार्टी वो इन्वॉल्व हो जाती है, कुछ आप ट्रांजैक्ट करते हो, जिसके लिए ऑलरेडी हमारे चैप्टर में हम 230 और उसके अंदर सारा कुछ पढ़ चुके हैं, वहाँ पे ऑलरेडी द स्पेसिफिक डीलिंग हैज़ बीन डन, वहाँ पे ट्रिब्यूनल भी इन्वॉल्व होता है, तो उस केस में जो है आपके ऊपर 188 की हम कोई भी बात लेकर नहीं चलेंगे. 188 इसके लिए भूल जाना, ठीक है.
अब विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस, अब ये पार्ट मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अभी ढंग से चेक करना है. क्यों? क्योंकि मेन तो सर पेपर में तो क्वेश्चंस आएंगे, तो वहाँ पे बताओ कुछ पॉइंट्स, वहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे टू क्रैक द क्वेश्चंस. तो इसके बाद अगर कहीं पे भी कोई डाउट आया जब आपके पास जो मार्क क्वेश्चंस होंगे, जस्ट गो थ्रू देम वंस अगेन आफ्टर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से चेक करना. दिस इज अ जनरल फ्लो, दिस इज योर जनरल फ्लो कि आपको एक क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करना है और आंसर कैसे करना है. फर्स्ट यू नीड टू चेक वेदर द कंसर्न पार्टी जिसके साथ हमारी कंपनी ट्रांजैक्ट करने वाली है इज अ रिलेटेड पार्टी और नॉट. तो 276 पहले चेक करो कि लग रहा है या नहीं लग रहा है. देन चेक वेदर द ट्रांजैक्शन इज कवर्ड फॉर 188 और नॉट. हमने इसके अंदर A2 क्लॉज नंबर G पढ़ रखे है, अगर उसके अंदर आती है तो ही हम बात करेंगे, ठीक है. एंड देन यू नीड टू चेक द लिमिट्स वेदर यू नीड एन OR रिक्वायरमेंट और नॉट. OR की जरूरत नहीं पड़ी तो सिर्फ और सिर्फ अगर ऊपर वाले दोनों चीज़ें पूरी हो जाती है तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, नहीं तो आपको OR भी रिक्वायर्ड है. ओके अब ये मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया है क्वेश्चन फॉर्म में. इफ अ रिलेटेड पार्टी लेट्स से डायरेक्टर और डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर इज टू बी अपॉइंटेड एज अ COO एट अ मंथली सैलरी ऑफ 260,000. अब ध्यान से सुनना, हमने मीनिंग पढ़ा था अपॉइंटमेंट और प्लेस इन प्रॉफिट का, जिसके अंदर हमने पढ़ा था अदर देन डायरेक्टर या फिर कोई कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ये मेरा अदर देन डायरेक्टर है, उसको कुछ भी मिल जाएगा तो वो इसके अंदर फॉल कर जाएगा. वी डोंट नीड टू एनालाइज कि उसको एज दैट पोजीशन कितना मिलना है एंड ओवर एंड अबव, ऐसा कोई एनालिसिस नहीं करना है. तो इसको कुछ भी मिल रहा है तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में वो फॉल कर चुका है. फर्स्ट हम क्या कह रहे हैं, इसके अंदर हम फॉल कर चुका है तो ही इज अंडर द स्कोप ऑफ 188, द ट्रांजैक्शन इज कवर्ड. नाउ वो 250 की लिमिट अलग आएगी टू अंडरस्टैंड एंड टू इवेल्युएट वेदर OR इज रिक्वायर्ड और नॉट. तो सबसे पहले हम बोलेंगे सर 188 तो लग चुका है, अब बिकॉज द लिमिट इज एक्सीडिंग 250,000 पर मंथ, तो ये मेरी पर मंथ सैलरी है, तो उस केस में मुझे OR की भी रिक्वायरमेंट है. अगर मैं इसको 250 की जगह 150 कर दूं तो उस केस में मुझे OR की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, राइट. तो ये अच्छे से समझ लेना. अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं. इफ अ रिलेटेड पार्टी टू बी अपॉइंटेड एज अ होल टाइम डायरेक्टर, डायरेक्टर की तरह लग रहा है, फॉर अ मंथली सैलरी ऑफ 10 लाख. अब ये जो 10 लाख रुपए में उसको महीना जो महीने पे पर मंथ आई एम पेइंग हिम, दैट पर्टिकुलर रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ही इज एंटाइटल्ड एज अ डायरेक्टर. इसके ऊपर की मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी कि इसको इसके ऊपर का भी कुछ मिल रहा है, नो. देन इन दैट केस वो तो मीनिंग के अंदर ही नहीं फॉल करा, वो उसके मीनिंग के अंदर ही नहीं फॉल करा अपॉइंटमेंट और प्लेस इन प्रॉफिट के केस में, तो मीनिंग में ही नहीं फॉल करा तो सेक्शन 188 से ही बाहर चला गया. बिकॉज टू प्राइमरी कंडीशंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ 188 आर, फर्स्ट रिलेटेड पार्टी के साथ होना चाहिए और सेकंड ट्रांजैक्शन कवर होनी चाहिए. पहले वाले में दोनों चीज़ें हो रही थी, सेकंड वाले में रिलेटेड पार्टी तो है लेकिन ट्रांजैक्शन कवर नहीं है, ठीक है. तो इन दैट केस 188 एप्लीकेबल ही नहीं है, तो OR की बात क्या करेंगे, 10 लाख से क्या फर्क पड़ेगा. देख लो, ही इज नॉट ड्रॉइंग एनीथिंग अबाउट द रेम्यूनरेशन, हेंस कैन नॉट बी सेड एज एन ऑफिस और प्लेस इन प्रॉफिट, सो 188 इज नॉट एप्लीकेबल. 188 इज नॉट एप्लीकेबल विदाउट एनी कंप्लायंसेस. आप आगे बढ़ो. ओके, नेक्स्ट एक चीज मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन. एक सब्सिडरी लिमिटेड है, इसका डायरेक्टर लगता है इन दी होल्डिंग कंपनी, क्या पोजीशन पे लग रहा है, इसको मारो गोली, छोड़ दो उसको 2 मिनट के लिए. क्या ये ट्रांजैक्शन कवर्ड है फॉर 188? बिना आंसर देखे आप खुद सोचो. आंसर इज नो. ऊपर ध्यान से पढ़ना, मैंने लिखवाया था अपॉइंटमेंट और प्लेस इन प्रॉफिट इन द कंपनी सब्सिडरी और एसोसिएट, होल्डिंग कवर्ड नहीं थी. और ये बंदा अपॉइंट किसके अंदर हो रहा है, होल्डिंग के केस में. अगर ये होल्डिंग की जगह उसका सब्सिडरी या फिर एसोसिएट होता, तो उस केस में, या फिर इस डायरेक्टर का कोई रिलेटिव इस कंपनी में लगता, तो उस केस में 188 लग जाता, ठीक है. नॉट कवर्ड इन 188 बिकॉज द ट्रांजैक्शन इटसेल्फ इज नॉट कवर्ड, सो नो कंप्लायंसेस ऑफ 188 आर रिक्वायर्ड. ओके, ये दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस. इफ माय लिमिट्स आर नॉट ब्रीच्ड, लिमिट्स विद रिस्पेक्ट टू OR आर नॉट ब्रीच्ड, देन एक्सेप्ट OR एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू 188 नीड्स टू बी कंप्लाइड, लाइक बोर्ड रिजोल्यूशन हो गया, डिस्क्लोजर्स हो गया, वो सारा कुछ तो आपको करना ही करना है. एंड इफ ट्रांजैक्शन नॉट कवर्ड या फिर वी आर नॉट एंटरिंग द ट्रांजैक्शन विद अ रिलेटेड पार्टी,
तो बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में भी क्या बोला, ये टू प्राइमरी कंडीशंस है फॉर 188 टू बी एप्लीकेबल। अगर इन दोनों में से कोई भी मीट नहीं हो पाती है देन 188 इटसेल्फ डज नॉट अप्लाई, 188 इटसेल्फ डज नॉट अप्लाई। तो ओआर की बात तो छोड़ो सर, 188 ही नहीं लग रहा, बोर्ड रेजोल्यूशन की भी जरूरत नहीं है, वो अलग बात है कि नॉर्मल बेसिक ट्रांजेक्शन के लिए बीआर पास होता है, लेकिन एज सच 188 की लीगल कंप्लायंसेस की जरूरत नहीं है। राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको क्वेश्चन में नया लगे। इसकी अंडरस्टैंडिंग, इस सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग, वी हैव ऑलमोस्ट इन्वेस्टेड 40 मिनट्स इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। एक बार जो इस सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग अगर आप लेते हो तो उसके बाद कभी भी आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी इंटरप्रिटेशन की या फिर छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ने का जो इशू वो नहीं आएगा। अगर नहीं करोगे एक बार ढंग से तो ज़रूर आएगा, बिकॉज देर आर मेनी प्रोविजंस मिक्सड। तो इसका इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग में हमने टाइम इन्वेस्ट किया है। आई होप दिस वॉज यूजफुल। तो ये हमारे चारों सेक्शंस थे। तो इन क्यूमुलेटिव चैप्टर टू के मीटिंग ऑफ बोर्ड के रिस्पेक्ट में हमने जो है 5 सेक्शंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो पूरे डिटेल्ड वीडियो में बात कर रखी है, 185 अलग से, और आज वाले में हमने 186, 188, 174 एंड 186 एंड 188, ये सारी चीज़ें हमने आज बात कर ली है। 185 की अलग वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम जस्ट रिपीटिंग कि बचे हुए सेक्शंस में से भी जो जो इंपॉर्टेंट MCQs या शॉर्ट पॉइंटर्स बन सकते हैं दैट विल बी कवर्ड थ्रू द MCQ पार्ट एंड शॉर्ट रिविजनरी पॉइंट्स पार्ट, वो चैनल पे अपलोड हो रहा है इन द टेक्स्ट फॉर्म। आप उसको फॉलो करके कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से मार्क करो, अगर कोई भी पॉइंट आपका मिस हो रखा है तो। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इस चैप्टर में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। बचे हुए प्रोविजन सिंपली यू कैन रीड इट एक बार अच्छे से रीड करके यू कैन जस्ट बी क्लियर विद द प्रोविजन्स। राइट, सो आई होप दिस पर्टिकुलर लेक्चर वॉज यूजफुल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो इफ एनीथिंग पर्टिकुलर रिविजन लेक्चर्स अगर हो पाता है पॉसिबल, बिकॉज अभी क्लासेस एक्सटेंडेड चल रही है तो उस वजह से सारे चैप्टर्स जो है वो विच आई वॉन्टेड टू कवर आई एम नॉट एबल टू, बट वॉट एवर आई एम एबल टू कवर वो मैं अपने आप अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टडी वेल, बाय।